शिक्षक माननीय श्री पांडुरंग जी, हमारे भारत स्वाभिमान के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी भाई श्री विष्णु जी, हमारे भारत स्वाभिमान के लातूर जिला अध्यक्ष भाई श्री वेंकट जी, हमारी भारत स्वाभिमान की लातूर जिला की महामंत्री बहन अंजुताई, मेरे पुराने सहयोगी और अब भारत स्वाभिमान के न्यायविद संगठन में लगे हुए भाई संजय मानलीकर जी, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आपसे मुझे बात करने का मौका मिला है। भारत स्वाभिमान का अभियान 5 जनवरी 2009 को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया। हरिद्वार नगर से ये अभियान शुरू हुआ, अब धीरे धीरे भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। इस अभियान में लगभग 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी केंद्र से लेकर और नीचे तक काम कर रहे हैं। 2,40,000 से ज्यादा योग शिक्षक रात दिन इस अभियान में तन मन धन से लगे हुए हैं। अगले 2 वर्षों में उम्मीद है कि 11,00,000 योग शिक्षक और तैयार होंगे और अगले 4 वर्षों में इस अभियान के साथ 5 कोटि से ज्यादा लोग सदस्य के रूप में जुड़ेंगे, मेंबर बनेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर एक व्यक्ति कोई अभियान के साथ जुड़ जाता है तो वो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करता है। तो भारत स्वाभिमान में कोई एक व्यक्ति अगर सदस्य के रूप में भी जुड़ेगा तो कम से कम वो 10 भारत के नागरिकों को प्रभावित करेगा। ऐसा लगता है कि अगले 5 वर्षों में, 4 से 5 वर्षों में हम भारत के 50 कोटी नागरिकों को हमारे 5 कोटी मेंबर्स की मदद से प्रभावित कर पाएंगे और भारत के हर गांव में अगले 4 वर्षों में लगभग 2 योग शिक्षक हमारे पहुंच जाएंगे। भारत में लगभग 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में हमारे 2 योग शिक्षक पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी और कोशिश इस समय चल रही है और इसी कोशिश के रूप में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी एक एक जिले में 3 से 4 दिन के शिविर कर रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से आस्था चैनल देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस समय स्वामी जी हरिद्वार में नहीं है, कभी वो बिहार में है, कभी महाराष्ट्र में है, कभी वो आंध्र प्रदेश में है, कभी वो हिमाचल में है, ऐसे अलग अलग राज्यों के जिलों में वो जा रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भारत स्वाभिमान से जोड़ें। लक्ष्य हमारा क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं? भारत स्वाभिमान का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि हमें व्यवस्था में बदल करना है, व्यवस्था को परिवर्तन करना है। हमारी जो आज की व्यवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं इसको पूरा बदलना है। हमारी आज की जो अर्थव्यवस्था है उसे बदलना है, हमारी कृषि व्यवस्था को बदलना है, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को बदलना है, हमारी न्याय व्यवस्था को बदलना है, कानून व्यवस्था को बदलना है, प्रशासन व्यवस्था हमें बदलनी है। भारत में जिन जिन व्यवस्थाओं में हम जीते हैं उन सभी को बदलना है। आप पूछेंगे क्यों बदलना है, क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि ये जिन व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं वो सब हमारी बनाई हुई नहीं है, इन व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने बनाया था और अपने स्वार्थ के लिए बनाया था। हम आज जिस न्याय व्यवस्था में कानून की मदद से कोई फैसला सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, विद्यार्थी बनकर हम सीखते हैं या शिक्षक बनकर हम किसी को सिखाते हैं, हमारी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी है वो इस समय अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था में जितने नियम चल रहे हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, हमारे टैक्स के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, हमारा बजट का नियम भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो GDP को निकालने का हिसाब जोड़ा जाता है, जिसको GDP कैलकुलेशन कहते हैं, ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है।
जीडीपी का डेट रेशियो जो कैलकुलेट होता है वो भी अंग्रेजों के बनाए हुए फॉर्मूले पे ही होता है। अर्थव्यवस्था के सारे नियम कायदे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, शिक्षा के सारे नियम कायदे अंग्रेजों के, न्याय के, प्रशासन के सब नियम कायदे अंग्रेजों के हैं। आप अगर ये पूछेंगे कि ये जो नियम कायदे अंग्रेजों के बने हुए हैं वो है कितने, तो बहुत साल इस पर अभ्यास करते करते एक माहिती मिली, वो ये कि 34,735 नियम कायदे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, इन्हीं में हम जी रहे हैं। अब मैं और आप इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करें कि अंग्रेजों ने ये सारे नियम कायदे बनाए थे, क्यों बनाए थे, अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, क्या उनका उद्देश्य था, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने जो नियम कायदे बनाए थे क्या वो अभी भी चल पाएंगे या हमारे लिए अभी भी उपयोगी हैं? शायद उत्तर मिलेगा नहीं। कारण उसका सीधा सीधा है, अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने सारे नियम कायदे लूटने के लिए बनाए थे। एक भी नियम कायदा उन्होंने ऐसा नहीं बनाया जो भारत का भला करे, सारे के सारे नियम कायदे लूटने के लिए बनाए थे। और ये जो नियम कायदे उन्होंने बनाए इसकी भारत की ऊपर जो उन्होंने लागू करने का काम किया, इसके पहले सारे नियम कायदे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, लोकसभा में, राज्यसभा में बहस किए गए हैं। अंग्रेजों की जो लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, अंग्रेजों की जो राज्यसभा है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, इसमें भारत के बारे में सारे नियम कायदों की बड़ी लंबी बहस हुई है, बहुत लंबी चर्चा हुई है। और ये बहस और चर्चा 1750 से शुरू हो गई थी और 1750 से लेकर 1947 तक वो चर्चा उनके यहाँ समय समय पर होती रही और उस चर्चा में से वो नियम कायदों का निर्माण करते रहे और उसको भारत में लागू करते थे। तरीका क्या था? अंग्रेजों की संसद में कोई फैसला होता था, उसको भारत में भेजा जाता था। उस फैसले को यहां पर अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि होता था जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, थोड़े दिन उसको वॉयसराय भी कहा गया। गवर्नर जनरल और वॉयसराय में कोई बहुत अंतर नहीं होता, बस शब्द का फर्क है। ताकत दोनों की बराबर है, शक्ति दोनों की बराबर है। अंतर सिर्फ इतना था कि जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला तब तक वो अधिकारी गवर्नर जनरल होता था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर अंग्रेजों की संसद का शासन जब शुरू हो गया इस देश में, तो उसी गवर्नर जनरल को उन्होंने वॉयसराय कहना शुरू किया। जैसे 1860 के पहले, सन 1860 के पहले अंग्रेजों का जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल था, सन 1860 के बाद वही अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी वॉयसराय हो गया। वॉयसराय और गवर्नर जनरल की अगर ताकत का अंदाजा हम लगाना चाहें तो ऐसे लगाएं कि इस समय भारत में जो प्रधानमंत्री की ताकत है और इस समय भारत में राष्ट्रपति की जो ताकत है दोनों को मिला दें, राष्ट्रपति की सारी ताकत, प्रधानमंत्री की सारी ताकत दोनों को जोड़कर जितनी कुल ताकत बनती है वो गवर्नर जनरल की होती थी 1860 के पहले, और वही ताकत वॉयसराय की होती थी 1860 के बाद में। अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल और वॉयसराय भारत में आए उनकी कुल संख्या 84 थी। सबसे पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल जो इस देश में आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो 1750 में आया। और सबसे आखिरी वॉयसराय जो इस देश में अंग्रेजों का था उसका नाम था माउंटबेटन, जो 1947 15 अगस्त को भारत छोड़कर चला गया। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करके माउंटबेटन तक इस देश में 84 अंग्रेज अधिकारी थे गवर्नर जनरल की हैसियत से, या ठीक है गवर्नर जनरल की हैसियत से या वॉयसराय की हैसियत से, ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके नीचे फिर दूसरे पदाधिकारी होते थे
उनकी कुल संख्या भारत में लगभग 51,316 थी। गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाले जो पदाधिकारी होते थे वो करीब 51,316 रहे हर समय, माने 51,316 अंग्रेज हर समय भारत में रहे 1750 से लेकर 1947 तक। तरीका क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी, व्यापार करने के लिए बनी थी और इस कंपनी का गठन हुआ था सन 1599 में। 1600 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी पहले बनी बाद में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया। 1600 में जब ये कंपनी रजिस्टर की गई ब्रिटेन में, लंदन में, तब आपको उस समय की एक माहिती देता हूं तो आपको हंसी आएगी। सन 1600 में जब इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया तो कंपनी की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल थी, कोई भी कंपनी बनती है उसकी शुरुआत में पूंजी लगाने के लिए, जिसको हम चुकता पूंजी कहते हैं, इनिशियल पेड अप कैपिटल कहते हैं, उससे कंपनी का अंदाजा लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियल पेड अप कैपिटल रजिस्ट्रेशन के समय जीरो था, शून्य था, माने कंपनी में किसी की पूंजी ही नहीं लगी थी और कंपनी बन गई, बिना पूंजी के कंपनी बनी थी। ये दुनिया की सबसे अनोखी कंपनी थी जिसको बनाने में पूंजी नहीं लगाई गई। क्यों? जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई थी उनके पास पैसे नहीं थे। तो आप बोलेंगे फिर कंपनी रजिस्टर कैसे हो गई? ये अंग्रेजों के कायदे ऐसे ही होते हैं, नियम ऐसे ही होते हैं। उनको जो करना है अपने लिए, वो कितना भी गैर कानूनी हो, गैर वाजिब हो, वो करेंगे। तो इस कंपनी को उन्होंने रजिस्टर किया, पूंजी इनके पास थी नहीं, पैसा इनके पास था नहीं। और ये कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में रजिस्टर हुई थी, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर हुई थी, लेकिन ट्रेड करने के लिए पैसा लगता है, व्यापार करने के लिए कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ बेचना पड़ता है, दोनों में ही पूंजी की जरूरत होती है। लेकिन इस कंपनी के पास एक पैसा नहीं था और ये एक तरह से दिवालिया कंपनी थी, बैंकरप्ट कंपनी थी। फिर हुआ क्या? इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था एक, उन्होंने अंग्रेजों के राजा से ये कहा कि हमको व्यापार करने के लिए भारत में जाना है और इसके लिए आपका एक अथॉरिटी लेटर चाहिए और उसमें आप ये लिख के दीजिए कि ये कंपनी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की सबसे अच्छी कंपनी है और इसको मैं भारत में व्यापार करने का अधिकार दे रहा हूं। और राजा ने जब वो लेटर लिखा तो इस कंपनी के डायरेक्टर से पूछा कि ये लेटर लिखने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप इसको ध्यान से सुनना, मुझे क्या मिलेगा? माने भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है उसका ये नमूना है। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भारत में जाकर जो भी व्यापार करेंगे उसका 5% आपको मिलेगा। राजा मान गया, उसने कहा ठीक है। फिर राजा ने पूछा कि मेरे जो अधिकारी हैं, राजा है, राजा के नीचे प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड का सिस्टम तो ऐसे ही है, राजा होता है सबसे ऊपर या रानी होती है, फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल। तो राजा ने पूछा मेरे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा और मेरे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को क्या मिलेगा? तो कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी 5% मिलेगा। फिर राजा ने कहा कि हमारे जो संसद में बैठने वाले सांसद हैं, जो खासदार हैं इंग्लैंड के, उनको क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा उनको भी हम देंगे, खासदारों को देंगे, जो राज्यसभा में है, लोकसभा में है, उनको भी देंगे। और फिर अंत में राजा ने कहा कि उसके नीचे जो प्रशासन चलाने वाले हमारे लोग हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको क्या मिलेगा? तो कंपनी ने कहा उसको भी देंगे। तो कुल मिलाकर यह तय हुआ कि कंपनी भारत में जितना पैसा कमाएगी उसका कम से कम 25-30% राजा और उसके नीचे के अधिकारियों में बांटा जाएगा। 25-30% कंपनी के अधिकारी जो भारत में जाकर व्यापार करेंगे उनमें बांटा जाएगा और उसका एक हिस्सा अंग्रेजों के चर्च को दिया जाएगा और उसका एक हिस्सा कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे भविष्य में उनमें बांट दिया जाए। ऐसे करके ये सब बना।
पूंजी एक पैसा नहीं था, उनके पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं था। इस आधार पर ये सब बना और वो भारत में आ गए। भारत में उस समय राजा था, उसका नाम था जहांगीर। कंपनी बन गई थी 1599 में, रजिस्ट्रेशन हुआ 1600 में और भारत में वो आए सन 1618 में, 18 साल के बाद यहाँ आ गए। लेकिन उसके पहले कंपनी के कई एजेंट यहाँ घूम कर चले गए थे, आकर देख गए थे कि भारत कैसा है, व्यापार की क्या संभावना है वगैरह वगैरह। मूल रूप से ऑफिशियली कंपनी आई 1618 में और जहांगीर के सामने उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। वो दस्तावेज था इंग्लैंड के राजा का अथॉरिटी लेटर कि देखो हम इंग्लैंड की एक कंपनी है और भारत में आके व्यापार करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने सबसे पहला सवाल पूछा था कंपनी के एक अधिकारी को जिसका नाम था थॉमस रो कि आप क्या व्यापार करेंगे भारत में। व्यापार का माने या तो कुछ खरीदें या तो कुछ बेचें। तो आपके पास खरीदने को पैसे हैं क्या, बेचने को कुछ आपके पास सामान है? तो कंपनी का जो अधिकारी था थॉमस रो, उसने कहा कि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जहांगीर के सामने एक अंग्रेज अधिकारी बोल रहा है कि भारत में बेचने के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं है और खरीदने को पैसे नहीं है। तो जहांगीर हंसने लगा और कहा फिर व्यापार कैसे करोगे? तो उस अधिकारी ने कहा कि हम आपसे उधारी में सब लेंगे। उधारी तो आप समझते हैं, उसको जाके लंदन में बेचेंगे, बेचने के बाद जो मुनाफा आएगा उसमें से पहले अपनी जेब में रखेंगे और फिर आपकी उधारी चुका देंगे। जहांगीर ने पूछा उधारी कितने दिन की होगी? तो उन्होंने कहा वो एक महीने से लेकर साल भर तक की हो सकती है। यहां से बिजनेस शुरू हुआ। अब आप जरा सोचो जहांगीर कैसा राजा था जिसने इस बात के लिए मंजूरी दे दी। भारत का राजा और एक ऐसी कंपनी को मंजूरी दे रहा है जिसके पास खरीदने को पैसे नहीं है और बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं। मैं आके लातूर में आपसे एक प्रपोजल रखूं कि मैं राजीव दीक्षित, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है व्यापार करने के लिए और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। लक्ष्मीकांत जी के साथ मैं बिजनेस करूं, आपके साथ बिजनेस करूं और प्रपोजल मेरा ये है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना बेचूंगा आपको कुछ ना खरीद पाऊंगा, आपसे सब उधारी में ले लूंगा लातूर से और ले जाके मुंबई में बेचूंगा, बेच के जो मुनाफा आएगा तब आपकी उधारी चुका दूंगा, आप मेरे साथ व्यापार करोगे? नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। लेकिन जहांगीर ने कर लिया। यह प्रपोजल भी जहांगीर ने रिजेक्ट नहीं किया। मुझे उसकी बुद्धि पे तरस आता है। जहांगीर को भारतीय इतिहास में बड़ा राजा बताया गया लेकिन इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि एक कंपनी हमारे सामने आके कह रही है कि ना हम बेच पाएंगे कुछ आपको, ना हम आपसे खरीद पाएंगे, हम तो उधारी में सारा बंदा। तो दे दिया उसने लाइसेंस, और जब लाइसेंस लिखा गया कंपनी के लिए तो उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया ट्रेड, TRADE। हम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दे रहे हैं, जहांगीर की तरफ से ये लिखा गया। तो व्यापार की जगह जो शब्द था वो ट्रेड था। व्यापार और ट्रेड में बहुत अंतर है। आप बोलेंगे जी क्या अंतर है? अंग्रेजी का जो शब्द है ना ट्रेड, उसका भाषांतर हमने व्यापार किया है, लेकिन ट्रेड का खाली व्यापार से मतलब नहीं होता है। व्यापार का मतलब होता है कुछ खरीदना कुछ बेचना, ट्रेड का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। इंग्लैंड की पुरानी डिक्शनरी को अगर आप उठा के देखें, 15वीं-16वीं शताब्दी की जो डिक्शनरीज हैं, उसमें ट्रेड का मतलब है लूट मार। हमने ट्रेड का अर्थ लगा रखा है अपनी डिक्शनरी में, वो है व्यापार। 15वीं-16वीं शताब्दी की इंग्लैंड की सारी डिक्शनरी में ट्रेड का मतलब है लूट मार। बस यहीं पे हम फंस गए अंग्रेजों के साथ। जहांगीर ने यह सोचकर लाइसेंस दिया कि यह कंपनी व्यापार करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका अर्थ निकाला कि जहांगीर ने हमको लूट मार करने का लाइसेंस दे दिया।
अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द धोखा देने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा भी धोखा देने वाली भाषा है, जिसमें से आप बहुत सारे अर्थ समझ नहीं सकते। दुनिया में ये अकेली भाषा है अंग्रेजी जो सबसे ज्यादा धोखा देती है। बहुत सारे उदाहरण मैं उसके दे सकता हूं। मैं अगर अंग्रेजी में कहूं कि ये व्यक्ति सन इन लॉ है, तो क्या अर्थ निकालेंगे आप? मैं कहूं कि कोई व्यक्ति आपका या मेरा सन इन लॉ है, सन इन लॉ, क्या मतलब है इसका? या तो जीजा होगा या तो साला होगा, यही अर्थ है ना। लेकिन अंग्रेजी में दोनों हैं, जीजा भी है साला भी है। मैं अगर हिंदी में या मराठी में कहूं कि ये जीजा है, तो एक मिनट में आपको समझ में आएगा ये बहन का पति है। अगर मैं ये कहूं कि ये साला है, एक मिनट में समझ में आएगा बहन का भाई है। सन इन लॉ, जीजा भी होगा साला भी होगा, समझ में नहीं आएगा ये है क्या। अंग्रेजी भाषा ऐसी धोखा देने वाली भाषा है। अगर किसी को ये कहें कि ये फादर इन लॉ है, ये नहीं समझ में आएगा कौन सा है, इधर वाला है कि इधर वाला है, लड़की वाला है कि लड़के वाला है फादर इन लॉ। फिर ये कहा जाए मदर इन लॉ है, नहीं समझ पाएंगे आप लड़की वाली है कि लड़के वाली है, वो तो दोनों ही हो सकती है। सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे कि आप ये है कौन सा रिश्ता सिस्टर इन लॉ। ऐसे अंग्रेजी में हजारों शब्द हैं, और ये शब्द अंग्रेजी में हैं उन विद्वान लोगों के द्वारा बनाए गए जो अंग्रेजी के बड़े महान विद्वान माने जाते हैं। भाषा ही पूरी धोखा देने वाली, समझ ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे ये बोलूं सन, अब पता नहीं कौन सा सन, एस यू एन भी हो सकता है, एस ओ एन भी हो सकता है, एस यू एन सूरज है, एस ओ एन बेटा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, प्रोनंसिएशन एक ही है सन, समझ ही नहीं सकते आप। ऐसे ही जहांगीर नहीं समझ पाया ट्रेड का मतलब क्या, उसने मतलब लगाया व्यापार, और अंग्रेजों के लिए मतलब था लूट मार, क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब ही था लूट मार। क्यों था मतलब लूट मार? क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कुछ भी पैदा नहीं होता था, तो व्यापार क्या करेंगे, कुछ पैदा नहीं होता था उस देश में, खेती होती नहीं थी क्योंकि जमीन अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और एक साल में 8 महीने वहां धूप नहीं निकलती, सूर्य प्रकाश नहीं होता, तो खेत में कुछ पैदा नहीं हो सकता, और एक साल में 8 महीने बर्फ जमा रहती है खेत में, जहां बर्फ जमा होती है खेत में 8 महीने, वहां घास भी पैदा नहीं होती, एक तन भी पैदा नहीं हो सकता। इंग्लैंड में खेती होती नहीं थी 15वीं 16वीं शताब्दी में। अब खेती नहीं होगी तो उत्पन्न कुछ नहीं है, और जो देश में खेती नहीं है वहां उद्योग नहीं हो सकते, क्योंकि उद्योग चलाने के लिए जो कच्चा माल लगता है रॉ मटेरियल, वो खेत में से ही आता है। मान लो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है, कापड़ उद्योग चलाना है, तो कापड़ उद्योग तो तब चलेगा जब कापूस हो आपके पास, कॉटन हो, और कॉटन पैदा होगा वो खेत में होगा, कारखाने में नहीं होगा। अब खेत में खेती नहीं होगी तो कॉटन नहीं होगा, कॉटन नहीं होगा तो कापड़ उद्योग नहीं हो सकता। मान लीजिए साखर उद्योग चलाना है, शुगर इंडस्ट्री चलानी है, तो ऊस चाहिए, बिना ऊस के साखर नहीं बनेगा। अब ऊस कहां उत्पन्न होगा? वो खेत में होगा, वो कारखाने में नहीं होगा, और इंग्लैंड में खेती नहीं होती थी, ऊस नहीं होता था, तो साखर नहीं बन सकती थी, तो शुगर इंडस्ट्री नहीं हो सकती। रबर इंडस्ट्री चलानी है मान लीजिए, तो रबर चाहिए, रबर उत्पन्न होने के लिए एक झाड़ लगता है, एक पेड़ होता है रबर का, जिसमें से दूध निकलता है, उस दूध को प्रोसेस करके रबर बनता है। अब वो झाड़ होगा तभी तो रबर बनेगी, रबी रबर होगी तो रबर इंडस्ट्री चलेगी। इंग्लैंड में झाड़ी नहीं है रबर पैदा करे, दूध पैदा करे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी वहां पे, कोई उद्योग नहीं था। आप बोलेंगे
कुछ मेटेलिक इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे आयरन इंडस्ट्री, लौह उद्योग। लौह उद्योग होने के लिए कच्चा माल लगता है, कच्चा माल चाहिए, आयरन ओर चाहिए, आयरन ओर इंग्लैंड में है ही नहीं, तो स्टील इंडस्ट्री चल नहीं सकती उनकी, कहां से चलाएंगे। तांबे का उद्योग है, मान लीजिए कॉपर इंडस्ट्री है, तो कॉपर का तो ओर चाहिए ना, ओर ही नहीं है उनके देश में। भगवान ने कुछ नहीं दिया उनको, बहुत गरीब है वो लोग, प्रकृति का दिया हुआ कुछ नहीं है। तो 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड बहुत गरीब था, ना खेती होती थी ना उद्योग चलता था। अब खेती भी नहीं, उद्योग भी नहीं, तो व्यापार क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे। तो बात बिल्कुल सही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेचने को कुछ नहीं था, क्योंकि उनके यहां कुछ पैदा ही नहीं होता था, बनता ही नहीं था। तब आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर अंग्रेज जिंदा कैसे रहते थे? सारे अंग्रेजों का एक ही काम था, लूट मार, उसी पे जिंदा रहते थे। ये लूट मार क्या करते थे वो? इंग्लैंड दुर्भाग्य या सौभाग्य से समुद्र के किनारे का देश है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाओ पानी के रास्ते से, पहले तो सब पानी के रास्ते से ही होता था, तो इंग्लैंड बीच में ही पड़ता है, ऐसा रास्ता है। आपको अफ्रीका जाना है, इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा। आपको लैटिन अमेरिका जाना है, इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा। आपको अमेरिका जाना है, इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा। तो सारे जल मार्ग के रास्ते ऐसे थे उस समय कि इंग्लैंड बीच में पड़ता था और लंदन बिल्कुल समुद्र के किनारे है। तो होता क्या था कि उस जमाने में पानी के जहाजों से जो व्यापार करने के लिए व्यापारी जाते थे दूसरे देश में, अंग्रेज उन पानी के जहाजों को लूट मार किया करते थे, ये उनका बिजनेस था। और पानी के जहाजों को लूट मार करके जो धन मिलता था उससे उनका देश चलता था, ये था उनका मुख्य बिजनेस, मुख्य काम, लूट मार। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, ये जो पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए, ये किस देश के जहाज होते थे? सबसे ज्यादा जहाज होते थे भारत के, और दूसरे नंबर पर थे चीन के। चीन और भारत पिछले 3000 वर्षों से विश्व व्यापार करने वाले सबसे बड़े दो देश हैं, चीन और भारत, 3000 साल से। भारत ने 3000 साल विश्व व्यापार किया, जिसको आप आज की भाषा में कह सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस। चीन ने लगभग 3000 साल एक्सपोर्ट बिजनेस किया। तो भारत के व्यापारी जहाजों में बहुत सारा सामान भर के इंग्लैंड के रास्ते दुनिया के देशों में बेचने को जाते थे। अंग्रेज इन जहाजों को लूटते थे, भारत के जहाजों को लूटने पर उनको बहुत सारा माल मिलता था, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिलते थे। तो अंग्रेजों को लालच था कि ये भारत का कोई भी जहाज आता है, हम उसको जब लूटते हैं तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं, तो भारत में ही चलकर लूटे तो कितना सोना मिलेगा। इसलिए उन्होंने कंपनी बनाई और भारत में लाकर उसको लूट मार के लिए स्थापित किया। और जहांगीर से जब लाइसेंस उनको मिला, तो उस लाइसेंस के आधार पर सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत शहर में लूट मार की थी। सूरत के एक पारसी व्यापारी को अंग्रेजों ने लूटा था लाइसेंस मिलने के 40 दिन के बाद, और वो व्यापारी से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर अंग्रेजों ने आर्मी बनाई थी, सेना बनाई थी, और वो सेना की मदद से फिर 20-50 सैकड़ों व्यापारियों को लूटा था। फिर ये व्यापारी शिकायत करने जहांगीर के पास गए कि आपने एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस दिया है जो हमारे घरों में घुसकर लूटती है। तो जहांगीर ने बुलाया थॉमस रो को अपने दरबार में और कहा कि मैंने तो आपको व्यापार करने का लाइसेंस दिया है। तो उसने कहा कि आपने ट्रेड करने का लाइसेंस दिया है हमको, और इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब है लूटमार, तो हम लूटमार कर रहे हैं। तब जहांगीर को पता चला कि अंग्रेजी कितनी धोखा देने वाली भाषा है। उसने फिर इनको कहा कि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। तो कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि आप कर दो, लेकिन हम नहीं मानते उसको, हम तो लूटेंगे ही, अब आपसे झगड़ा करेंगे,
युद्ध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आपको जो करना है करो, अब तो हम लूटमार बंद नहीं करेंगे। और अंत में परिणाम क्या हुआ, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने लाइसेंस दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने साजिश करके, षड्यंत्र करके उसी को कुर्सी से उतरवा दिया। जहांगीर के कुर्सी से उतर जाने के बाद लगभग जितने मुगल राजा थे वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहे। बहादुर शाह जफर तो पूरी तरह से अंग्रेजों के काबू में था। एक राजा था जो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आया, उसका नाम था औरंगजेब। तो अंग्रेजों ने क्या किया, चालाकी करके औरंगजेब के साथ संधि कर ली, मित्रता की संधि, दोस्ती की संधि। और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा अंग्रेजों ने औरंगजेब के इलाके में कभी भी नहीं लूटमार की। औरंगजेब के बाहर का जो इलाका था उसमें लूटते थे वो। औरंगजेब कितने बड़े इलाके का राजा था, उत्तर भारत का लगभग, ऐसे आज का जो उत्तर भारत है जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और थोड़ा इलाका हिमाचल का है, जम्मू कश्मीर का है, उत्तराखंड का है, इतने ही इलाके में औरंगजेब का शासन था। थोड़े दिन उसने दक्षिण भारत में पैर फैलाने की कोशिश की थी लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के सामने वो टिक नहीं पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां जितनी भी जड़ें थी औरंगजेब की उनको काट दिया था, इसलिए वो थोड़े इलाके का ही राजा था। उतने इलाके में अंग्रेज लूटमार नहीं करते थे जब तक वो जिंदा था। 1707 में मर गए, उन्होंने वो इलाका भी लूटना शुरू किया। तो सबसे प्रमुख बात जो अंग्रेजों की थी वो थी लूट, लूटना है भारत में। अब लूटने के तरीके, जितने तरीके लूटने के हो सकते हैं वो अंग्रेजों ने अपनाए। किसी के घर में घुस जाना जबरदस्ती, जो धन संपत्ति मिले उसको लेके आ जाना, ये एक तरीका था लूटने का। फिर दूसरा तरीका था लोगों के ऊपर टैक्स लगा के लूटना, ये दूसरा तरीका था। एक तो दादागिरी करके लूटना, जैसे आज के गुंड लोग करते हैं, बदमाश लोग करते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनमें एक दस्तावेज है, जयपुर का एक महाराजा हुआ करता था सवाई सिंह, उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लेटर आया कि हमको 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो हम जयपुर शहर को लूटेंगे। अब जयपुर के महाराजा ने अपने सहयोगियों से बैठक की कि क्या करें, 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं दें या ये जयपुर आके हमको लूटें। तो सबने मिलके कहा 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं देना आसान है, वो दे दो, नहीं तो ये हमारे यहां से 10 कोटी लूट के ले जाएंगे। तो जयपुर के राजा ने 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इसी तरीके से अंग्रेज सब राजाओं से लेते थे। भारत में उस समय 565 राजा थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। कुछ मजबूत थे, कुछ कमजोर थे। जो मजबूत राजा थे वो कभी भी अंग्रेजों को पैसे नहीं देते थे। जब भी अंग्रेजों ने मांगा उन्होंने मना किया। जैसे सतारा के महाराजा थे, उन्होंने कभी नहीं दिया। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महारानी थी ना, उसने कभी नहीं दिया। जैसे दक्षिण भारत में एक हैदर अली हुआ करता था, उसने कभी नहीं दिया। हैदर अली के बाद उसका बेटा था टीपू सुल्तान, उसने कभी नहीं दिया। तो 565 राजाओं में कई मजबूत राजा थे जो अंग्रेजों को एक पैसा नहीं देते थे, लेकिन कुछ कमजोर राजा थे जो चुपचाप उनको पैसे दिया करते थे। तो होता यह था कि जो मजबूत राजा थे उनसे अंग्रेजों की लड़ाई होती थी और उस लड़ाई में अंग्रेज कभी जीत नहीं पाते थे, हमेशा हारते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों ने जब भी लड़ाई की हमेशा वो हारे। हमारे यहां बेलगाम है, महाराष्ट्र के बाजू में, वहां पर एक रानी थी कित्तूर चेन्नम्मा। जब भी अंग्रेजों ने उससे पैसे मांगे कभी नहीं दिए और हमेशा उसने लड़ाई करके अंग्रेजों को हराया। हैदर अली से अंग्रेजों ने 18 बार युद्ध किया, एक बार भी जीत नहीं पाए, हर बार अंग्रेज हारे हैदर अली से। टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने करीब 7 बार युद्ध किया, हर बार हारे, कभी नहीं जीत पाए। तो मजबूत राजाओं को वो कई बार धमकाते थे, डराते थे, लेकिन मजबूत राजा मारते थे, पीटते थे अंग्रेजों को, युद्ध में हराते थे, उनकी गर्दनें काटते थे, उनके हाथ पांव काटते थे, ये होता था।
लेकिन जो कमजोर राजा थे वो चुपचाप पैसे दे दिया करते थे, तो अंग्रेजों का सारा निर्भरता जो थी वो कमजोर राजाओं पे थी। और ऐसे कमजोर राजा भारत में उस समय 250 से ज्यादा थे, 565 कुल राजा थे, उनमें 253 के आसपास नियमित अंग्रेजों को पैसा देने वाले राजा थे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, जिन राजाओं से पैसे उनको मिलते थे उन्हीं राजाओं को पहले अपनी गुलामी में लिया होना, और उसका तरीका क्या था, एग्रीमेंट किए, करारनामे किए, और सभी राजाओं से एग्रीमेंट करके उनके राज्य उन्होंने छीन लिए। और वो एग्रीमेंट कैसा होता था, वो एग्रीमेंट की एक कॉपी कभी मैं दिखाऊंगा आपको आस्था चैनल पे, वो एग्रीमेंट लिखा जाता था अंग्रेजी में, उसके ऊपर टाइटल होता था ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती का समझौता, ऐसा होता था उसका टाइटल। और उसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती थी कि अंग्रेज इस राजा के मित्र हैं, ये राजा अंग्रेजों का मित्र है, फलाना फलाना। अंत में एक छोटा सा वाक्य डाला जाता था कि ये राजा जब मर जाएगा तो इसका पूरा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, ये लास्ट में लिखा जाता था। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने भारत के राज्यों को अपने गुलामी में लिया, कंट्रोल में लिया। पर अंत में क्या हुआ, भारत के आधे इलाके पर उनका कब्जा हो गया। फिर उन्होंने तय कर लिया कि अब हम यहां सरकार बनाएंगे अपनी, और सरकार बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया लंदन से। 1750 में वो आया, 7 साल उसने काम किया और 7 साल में अंग्रेजों की सरकार बना दी। 1757 में अंग्रेजों की पहली सरकार बंगाल में बनी, और बंगाल में जो सरकार बनी उसके भी कहानी को आपको एक मिनट में मैं बता दूं। बंगाल का राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने उसको इसी तरह का एक प्रपोजल दिया था कि हम तुम्हारे साथ एक संधि करना चाहते हैं, करार करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया। फिर अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारे राज्य में व्यापार करेंगे, लाइसेंस दे दो। सिराजुद्दौला ने उसको भी मना कर दिया। तब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और युद्ध में तुम्हें हरा के ये राज्य छीन लेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हमला करके देखो। तो अंग्रेजों ने बाकायदा तारीख घोषित की, 23 जून 1757 को हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हम देखेंगे हमला कैसा होता। तो अंग्रेजों ने जब हमला करने की सारी तैयारी की तो उनके पास सैनिक बहुत कम थे। बंगाल में, कलकत्ता में हमला करने के लिए उनके पास 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला की कलकत्ता की जो आर्मी थी उसमें 18,000 सैनिक थे। कुल मिलाकर वैसे तो सिराजुद्दौला के पास 1,00,000 सैनिक थे पूरे बंगाल में, लेकिन खाली कलकत्ता में 18,000 सैनिक थे। अंग्रेजों को यह मालूम था कि इस युद्ध में हम हारने वाले, सैनिक हमारे पास कम है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको पैसा देकर, रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाया। माने सारा काम अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार की मदद से ही किया इस देश में। जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो ये, रिश्वत दी मीर जाफर को, पैसे का लालच दिया, रिश्वत का लालच मिला, कुर्सी का लालच मिला, और मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया। मीर जाफर ने अपने ही देश को धोखा दिया, अंग्रेजों से मिला, अंग्रेजों को फिर उसने मदद की, 18,000 सैनिकों की जो सेना थी वो अंग्रेजों के समर्थन में आ गई, और अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या 350 से बढ़कर 18,350 हो गई। और इस सेना ने मिलकर फिर मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया। फिर थोड़े दिन के लिए मीर जाफर को राजा बनाया, फिर मीर जाफर का खुद मर्डर किया इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, फिर मीर कासिम को बनाया, फिर उसका मर्डर किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और अंत में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। बंगाल कितना बड़ा था उस समय, बंगाल का माने है पूरा बांग्लादेश, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा आसाम, आसाम के बाद पूरा का पूरा उड़ीसा, उड़ीसा के साथ झारखंड, झारखंड के साथ बिहार, इतना बड़ा इलाका बंगाल होता था उस समय। उसका राजा अंग्रेज बन गया रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही राजा बना
उसी दिन से उसने और बड़े पैमाने पर लूटना शुरू किया बंगाल को, और लूट लूट के करीब 7 साल तक वो धन जमा करता रहा। और 7 साल के बाद 1763 में आते आते उसका ट्रांसफर हो गया रॉबर्ट क्लाइव का, वो लंदन वापस गया। लंदन में उससे पूछा गया कि तुमने भारत में क्या लूटा, तुम भारत से क्या लेके आए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे। रिकॉर्ड्स में है ये स्टेटमेंट जो मैं आपको सुना रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैंने भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात आदि आदि लूट कर लाने के लिए पानी के 900 जहाज किराए पर लिए, 900 ships मैंने किराए पर लिए। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गया, उसने कहा कि शिप बोल रहे हो या बोट, नाव या शिप। तो उसने कहा नहीं शिप, नाव नहीं। तो उसको पूछा गया एक शिप में कितना माल आता है, तो उसने कहा कि कम से कम 70 मीट्रिक टन। 70 मीट्रिक टन का माने 70,000 किलोग्राम। एक शिप में इतना माल आता है, इतना बड़ा शिप सोने का भरकर रॉबर्ट क्लाइव ले गया 900 सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। अब ये बात आपकी कल्पना में ठीक से बैठे इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए और जो गुड्स ट्रेन जाती है मालगाड़ी उसको देखिए। मालगाड़ी में एक तो होता है ओपन डब्बा होता है खाली आधा, और एक तो पूरा कवर किया हुआ होता है। जो कवर किया हुआ मालगाड़ी का डिब्बा है गुड्स ट्रेन का, उसमें 72 मीट्रिक टन ही माल आता है, 72 मीट्रिक टन आता है उसमें। तो मालगाड़ी के 900 डिब्बे भरकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ले गया रॉबर्ट क्लाइव। आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएं और लाइन से लाइन 15 मालगाड़ी ट्रेन आपकी आंखों के सामने से निकल जाएं, इतना सोना भर के ले गया रॉबर्ट क्लाइव। 15 गुड्स ट्रेन, एक रॉबर्ट क्लाइव इतना लूट के ले गया। बाद में क्या हुआ, राजा ने उसी लूट के धन के बंटवारे के लिए कहा कि देखो भाई ये तो तुम्हें बांटना है सबको, तो मना कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने कहा मेहनत मैंने की, पैसे आपको क्यों दूं। तो राजा ने नियम अपने यहां यही है, तो उसने कहा मैं नहीं मानता इस नियम को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को फांसी की सजा दे दी, क्योंकि वो लूटा हुआ धन बांटने को तैयार नहीं था। उसके लिए मुकदमा चलाया गया बाकायदा, उसके ऊपर केस हुआ है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुकदमा चला है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के बहुत सारे मुकदमे पार्लियामेंट में होते थे। हम मुकदमे के बारे में बात करते हैं, केस के बारे में बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जिला अदालत होगी या उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में केसेस होते थे। रॉबर्ट क्लाइव का केस ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला, बाकायदा आर्ग्यूमेंट हुए, और वो अंत तक यही कहता रहा कि ये सारा पैसा मैंने लूटा, मैं नहीं दूंगा किसी को। और राजा उसको कहता था कि ये बांटना ही पड़ेगा तुमको, तो उसने बांटने से मना किया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको फांसी दे दी। फांसी मिलने से एक दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव ने अपने को गोली मारी रिवॉल्वर से और अपनी आत्महत्या की उसने। और जब रॉबर्ट क्लाइव मर गया तो वो जितना धन लूट के ले गया था वो सब बांटा गया ऊपर से नीचे तक। मैं कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं, भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है। ईमानदारी का मतलब ऊपर से नीचे तक सारा धन बांटा जाता है, तभी भ्रष्टाचार चलता है। अगर अकेला कोई आदमी लूट कर खाने की कोशिश करे तो उसका वही हाल होता है जो रॉबर्ट क्लाइव का हुआ। अब ये कहानी को मैं आज के समय के साथ जोड़ता हूं। अंग्रेजों ने यह सिस्टम बनाया लूटने का, रॉबर्ट क्लाइव उसका एक अधिकारी था जो ये लूट कर इतना ले गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद 84 अधिकारी आए, इसी तरह से लूटते रहे। रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा इस देश को। वॉरेन हेस्टिंग्स चला गया,
तो विलियम पिट आया, उसने लूटा इस देश को। फिर विलियम पिट चला गया तो कर्जन आया, कर्जन ने लूटा इस देश को। कर्जन चला गया, फिर इस देश में विलियम बेंटिंग आया, उसने लूटा इस देश को। वो चला गया तो डलहौजी आया, उसने लूटा इस देश को। डलहौजी चला गया, फिर उसके बाद केनिंग आया, केनिंग ने लूटा इस देश को। और इस तरह से 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल लूटते ही रहे 1947 तक, माउंट बेटन के समय तक। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ दस्तावेज इकट्ठे करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर कितना लूटा रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, विलियम पिट ने, लिलिथगो ने, लॉरेंस ने, पैथिक लॉरेंस था, एक जॉन लॉरेंस था, ये सब अंग्रेजों के गवर्नर जनरलों के नाम है, सबने मिलाकर कुल कितना लूटा। तो वो रकम आज के हिसाब से निकलती है लगभग 300 लाख कोटी रुपए, 300 लक्ष कोटि रुपए, 300 लाख करोड़ रुपीस। 300 लक्ष कोटि रुपए को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, फेल हो जाता है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं, 12 डिजिट्स आती है, और 300 लक्ष कोटि को जब आप लिखोगे तो इसमें 17 अंक लगते हैं, 17 डिजिट्स। इतना अंग्रेजों ने लूटा, और जिस समय लूटा था उस समय के बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़कर 2010 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दें तो ये रकम बैठती है 450 लक्ष कोटि रुपए ब्याज सहित। और ये हिसाब में इसलिए बता रहा हूं कि ये हमें लेना है उनसे वापस। नहीं तो भारत स्वाभिमान क्यों बनाया हमने, इसी के लिए तो बनाया, लेना है ये हमको। और इतनी मेहनत क्यों की, ये सारे दस्तावेज क्यों इकट्ठे किए, क्यों एक एक का हम हिसाब निकाल रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने इतना लूटा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इतना लूटा, इसने इतना लूटा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लेना है हमको उनसे। ये हमारी रकम है, उनके बाप दादों की नहीं है, हमारा पैसा है, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है। इस पूरी कहानी में एक चीज और आपके समझ में आए कि ये जो लूटते थे अंग्रेज ऊपर से नीचे तक, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको वो हायरार्की कहते थे। और इस सिस्टम में कुछ अधिकारी हुआ करते थे लूटने में मदद करने के लिए। अंग्रेजों ने सबसे पहला अधिकारी जो बनाया इस देश में लूट में मदद करने के लिए, उस अधिकारी का नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी शब्द है ना कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला, क्या लूट का माल। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपको हंसी आ रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा 3 साल बहस चली 1857 से 1860 तक कि इस लूट के पैसे को गांव गांव जाकर इकट्ठा कौन करे। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाओ जो लूट के माल को इकट्ठा करे। तो कलेक्टर उन्होंने नियुक्त किया इस देश में। फिर कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया, उसका नाम था कमिश्नर। अंग्रेजी का एक शब्द है कमीशन, कमीशन में से निकला कमिश्नर, कलेक्ट में से निकला कलेक्टर, कमीशन में से निकला कमिश्नर, माने बात बिल्कुल स्पष्ट है। कमिश्नर माने कमीशन लेकर लूट का माल इकट्ठा करने वाला, कमिश्नर। और कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर होता था, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर होता था, कमिश्नर होता था, चीफ कमिश्नर होता था, एडिशनल कमिश्नर होता था। ये पूरी हायरार्की अंग्रेजों ने बनाई। इसमें सबसे नीचे का जो अधिकारी होता था उसको कहते थे तहसीलदार। तहसीलदार सबसे नीचे का अधिकारी, और सबसे ऊपर का अधिकारी होता था चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर के भी ऊपर। तो ये थी अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था, और इस पूरी प्रशासन व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था लूटो और अंग्रेजों को दे दो।
लूट लूट के अंग्रेजों को दे दो। तो कलेक्टर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था, कमिश्नर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था, वो कमीशन ये अपनी जेब में रखते थे और लूट का पूरा माल ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को दिया करते थे। ये थी हमारी प्रशासन व्यवस्था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये जो कलेक्टर की पोस्ट थी इसके लिए बाकायदा परीक्षा लेते थे, वो एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसका नाम था ICS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें जो परीक्षा होती थी वो इस बात की कि कौन कितना लूटने की ताकत रखता है, उसको वो टेस्ट करते थे। परीक्षा लंदन में होती थी। गलती से एक भारतीय, महान भारतीय, इस परीक्षा में पास हो गए। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गलती से पास हो गए। गलती क्या थी, नेताजी को मालूम नहीं था कि ये परीक्षा क्यों होती है और कलेक्टर का काम क्या होता है। जब वो पास किया तब पता चला कि ये तो लूटने का सारा बिजनेस है। हुआ ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस, वो बेटे को बार बार कहते थे कि तुमको कलेक्टर होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे पिता कहते हैं, हर पिता का सपना है बेटा कलेक्टर बने, कलेक्टर बने, कलेक्टर बने। तो उस जमाने में भी था, क्योंकि लूटने को सबसे ज्यादा तो यही मिलता है ना। हर एक पिता ये चाहता है भगत सिंह पड़ोस के घर में हो, मेरा बेटा तो कलेक्टर हो। उधम सिंह पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा तो कलेक्टर बने, लूट लूट के लाए घर में भरे। तो जानकीनाथ बोस का भी यही सपना था, मेरा बेटा कलेक्टर बने। और बेटा का पिता से झगड़ा चलता था, वो कहते थे मुझे तो भारत माता की सेवा करनी है, और वो कहते नहीं तुमको कलेक्टर बनना है। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने अपने बेटे को टॉन्ट कस दिया, चिढ़ा दिया, और ये कहा कि तू कलेक्टर बन नहीं सकता, परीक्षा पास नहीं कर सकता, इसलिए बोलता है कि नहीं बनना नहीं बनना। तो बेटे को ये बात चुभ गई, उन्होंने उसी दिन अपना ब्रीफ केस उठाया, लंदन चले गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ये 1921 की कहानी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 8 महीने के अंदर परीक्षा पास की उन्होंने, और परीक्षा पास नहीं की, टॉप किया। मेरिट लिस्ट में उनका 4th स्थान था, 4th पोजिशन थे। किसी भारतवासी को कभी भी कलेक्टरी की परीक्षा में मेरिट नहीं आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले एक भारतवासी और थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी, अरविंदो घोष। लेकिन अरविंदो घोष की मेरिट नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेरिट आई थी। अरविंदो घोष ने परीक्षा पास की थी और मेरिट में उनका नंबर शायद 246वां या ऐसा कुछ था। नेताजी सुभाष का 4th स्थान था, 8 महीने में परीक्षा पास की थी और अंग्रेजों के सब्जेक्ट लेकर परीक्षा पास की थी, इंडियन सब्जेक्ट नहीं लिए थे उन्होंने, यूरोपियन हिस्ट्री लिया था उन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के लिए, और उसमें मास्टरी करी, परीक्षा में 4th पोजीशन आई, कलेक्टर हो गए। होने के बाद उनको पता चला कि यहां तो सारा कमीशन खोरी का बिजनेस है। उनको कहा गया कि तुमको भारत में पोस्टिंग मिलेगी, इतना लूटना है, उसमें इतना तुम्हारा कमीशन होगा, और हर बार पोस्टिंग में तुम्हारी तरक्की होती जाएगी, तुम जितना ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट के दोगे उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन होगा। नेताजी सुभाष ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, और उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने पिता से ये कहा कि मैं भारत माता के लोगों को लूट नहीं सकता, और ये पूरी नौकरी लूट करने के लिए है, मैं नहीं जा सकता इस नौकरी। इस्तीफा देके वापस आए, और वापस आने के बाद की कहानी आप सब जानते हैं, उन्होंने भारत में क्या क्या किया, और अंत में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और अंग्रेजों को भारत से भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस कहानी से जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि कलेक्टर की पोस्ट थी लूटने के लिए, कमिश्नर की पोस्ट थी लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी, ये था पूरा सिस्टम। अब उसी सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा 300 लाख करोड़ रुपए। अब हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़कर,
तब बहस हुई इस भारत में आजादी के समय कि ये अंग्रेजों ने जो लूटने के लिए सिस्टम बनाया इसका क्या करें, ये जो कलेक्टर है इसका क्या करें, कमिश्नर का क्या करें, डिप्टी कलेक्टर का क्या करें, तहसीलदार का क्या करें, नायब तहसीलदार का क्या करें, एसडीएम का क्या करें, ये बहस हुई भारत में। और इस बहस को किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी उस समय के जीवित नेताओं में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों के साथ ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का लूटने का, इसको भी भारत से भगा दो। गांधी जी ने खुलेआम कहा हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, हमें कमिश्नर नहीं चाहिए, हमें लूटना नहीं है अपने देश के लोगों को, इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी को भारत से हटाओ। और गांधी जी ने इतने कठोर शब्दों में कहा कि अगर अंग्रेजों को रखना है तो भारत कोई नहीं बचा जो ये कहता हो कि ये कलेक्टर कमिश्नर वाली व्यवस्था हमें बदलनी है। परिणाम क्या हुआ, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, अंग्रेजों की व्यवस्था को रख लिया। आज भी कलेक्टर है, आज भी कमिश्नर है, आज भी डिप्टी कलेक्टर है, आज भी डिप्टी कमिश्नर है, पूरी व्यवस्था वही की वही है। अब जो व्यवस्था अंग्रेजों ने लूट के लिए बनाई थी उसी व्यवस्था को हम चला रहे हैं, तो आज भी वो व्यवस्था लूट ही रही है और कुछ नहीं कर रही है। जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आपके सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है कि आप विकास करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं या लूटने के लिए बना रहे हैं। अंग्रेजों का स्पष्ट उद्देश्य था भारत में विकास कुछ नहीं करना है, लूटना है। अब आपके मन में दो तीन प्रश्न आएंगे जो अक्सर लोग मुझे करते हैं, अगर अंग्रेजों को भारत का विकास नहीं करना था तो उन्होंने रेलवे क्यों बनाई, रेल तो अंग्रेजों ने बनाई इस देश में। आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक बहस का कोट सुनाता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंग्लैंड में उद्योग बनाने हैं और इंग्लैंड में कच्चा माल कुछ नहीं होता, तो सारा कच्चा माल भारत से लाना है, उस कच्चे माल को भारत के गांव-गांव से लाने के लिए रेल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अंग्रेजों ने रेल बनाई। वो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाई, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए रेल बनाई। और सबसे पहली रेलवे लाइन कौन सी थी मालूम है, अहमदाबाद से मुंबई। पहले ठाणा से मुंबई बनी, उसके थोड़े ही दिन के बाद अहमदाबाद से मुंबई। और अहमदाबाद मुंबई का पूरा बेल्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉटन का बेल्ट है, कापूस सबसे अच्छा इसी बेल्ट में होता है। तो अंग्रेजों को रेलवे डिब्बों में भर भर के कापूस लंदन लेके जाना होता था, तो मालगाड़ी में कापूस भरा जाता था, मुंबई में उतरता था, मुंबई में पानी के जहाज में वो कापूस भरता था, लंदन जाता था, तब लंदन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी, इसके लिए रेल बनाई थी। बाद में क्या हुआ, पहले गुड्स ट्रेन चलाई, फिर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन चलाई। पैसेंजर ट्रेन का उद्देश्य यह था कि भारत में जहां जहां अंग्रेज लूटते थे वहां वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होती थी, लड़ाई होती थी, विद्रोह होता था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों की आर्मी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई उन्होंने। तो आपके लिए नहीं चलाई थी पैसेंजर ट्रेन, आर्मी के लिए चलाई थी। एक और गहरी बात कहता हूं आपसे, जब अंग्रेजों के कलेक्टर कमिश्नर गांव-गांव जाके लूटते थे तो तंत्र क्या था, अंग्रेजों ने गांव के शेतकरी को लूटने के लिए एक टैक्स लगा रखा था जिसका नाम था लैंड रेवेन्यू, लगान जिसको हम कहते हैं, मालगुजारी जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कितना था, कुछ भारत के इलाके जहां सबसे अच्छा खेती का उत्पन्न है वहां पर लैंड रेवेन्यू था 90%। कोई भी शेतकरी जो उत्पन्न करता था गेहूं चावल चना दाल, इसका 90% अंग्रेज लूटते थे शेतकरी का। 100 क्विंटल किसी ने गेहूं उत्पन्न किया, 90 क्विंटल गेहूं ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, 10 क्विंटल शेतकरी के पास बचता था। और गांव-गांव से ये गेहूं कलेक्ट होके मालगाड़ी के डब्बों में भर के मुंबई जैसे स्थान पर पहुंचाया जाता था जहां से शिप में भर के वो गेहूं इंग्लैंड जाता था, और इंग्लैंड में फिर उससे बेकरी इंडस्ट्री चलती थी, पाव रोटी बनती थी, डबल रोटी बनती थी। उस समय इंग्लैंड में गेहूं नहीं होता था, भारत से जाता था।
तो गांव के शेतकरी से लूटना और इंग्लैंड भेजना। अब शेतकरी समाज कई बार अंग्रेजों से झगड़ा करता था, इसके लिए नहीं देते थे बहुत सारे शेतकरी, लगान नहीं देते थे, तो अंग्रेज फिर उनके साथ मारपीट करते थे। कानून बनाए हुए थे कि जो शेतकरी लगान नहीं देगा उसको मारा जाए, पीटा जाए, तो कोड़े से मारते थे, लेशेस, जिसमें लोहे की कील लगी रहती थी, और किसी भी शेतकरी को 100 कोड़े मारते थे, 5 कोड़े खाते खाते शेतकरी मर जाता था। ये उनका तरीका था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। सारे देश में इसके खिलाफ शेतकरी समाज में विद्रोह हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों को कई शेतकरी नागरिकों ने गर्दन से काट दिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि ये अंग्रेज अधिकारी जो कलेक्टर कमिश्नर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करो। तो इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई और उसके लिए कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस का काम क्या? लूट करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना ताकि वो पूरी ताकत से लूट सके। इसके लिए पुलिस बनाई, और पुलिस जब बनाई तो कानून तय कर दिया, इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस कानून का मूल मंत्र एक वाक्य में मैं सुनाता हूं। पूरे कानून का एक ही मतलब है, पुलिस अधिकारी के हाथ में सारे अधिकार और भारतीय नागरिक के हाथ में कुछ नहीं। कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ कभी भी बदतमीजी कर सकता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको डंडे से पीट सकता है क्योंकि डंडा उसके हाथ में है, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून से उसको डंडा दिया हाथ में। और अंग्रेजों ने इस इंडियन पुलिस एक्ट में जब इसका डिस्क्रिप्शन किया, वर्णन किया, तो उसमें लिखा कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, और बनाया गया लूट करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए। तो पुलिस वही काम आज तक कर रही है। अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से बनाया था उसी उद्देश्य को आज भी पुलिस पूरा कर रही है। कलेक्टर को प्रोटेक्शन देती है, कमिश्नर को प्रोटेक्शन देती है, भ्रष्ट नेताओं को प्रोटेक्शन देती है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी जितना लूटना चाहे लूटे, पुलिस का पूरा समर्थन और सहयोग इन लूटखोर पुढ़ारियों को, अधिकारियों को हमेशा मिलता है, और लूटने वाले भारतवासी को कभी भी पुलिस का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि कानून ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब आप लूटोगे और लूटने के लिए पुलिस भी आपके साथ है, मैं आपसे ये कहूं कि मैं लातूर में आऊं और आपको लूटूं, जेब काटूं, आपके घर में जाके डकैती डालूं, आप क्या करोगे? पकड़ के पुलिस को दे दोगे। लेकिन पुलिस अगर मेरा सहयोग कर रही है लूटने में तो क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कानून ऐसा है कि मैं आपकी जेब काटूं, वो कानूनन है, ऐसे में जेब काटूंगा, आप हल्ला मचाओगे, चिल्लाओगे, मेरी जेब क्यों काटी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मान लो लातूर में कानून ही बन जाए जेब काटने का, तब क्या करोगे आप? और मैं जब कानून से जेब काटूंगा आपकी, तो कहूंगा मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, आपकी जेब कटे तो मेरे का क्या लेना देना इससे। सारे पुढ़ारी यही कहते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, माने लूटने के कानूनों का पालन करते हैं। अब आपकी लूट होती है तो हम क्या करें इसमें? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब कानून लूटने के लिए तो हम क्या करें? ये लूटने के कानून कैसे हैं? आप व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको लूटा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून तय किया था तब बहस हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ये बहस थी कि भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे लूटा जाए, किसानों को, शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू, और व्यापारियों को लूटने के लिए क्या करें। तो एक अंग्रेज होता था, उसका नाम था विलियम विल्वरफोर्स। उसने कहा कि भारत के व्यापारी जो उत्पादन करते हैं सबसे पहले वही लूटो उसको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया एक्साइज ड्यूटी। फिर बाद में उसी विल्वरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी जो बिक्री करते हैं फिर लूटो उनको बिक्री के समय।
तो अंग्रेजों ने लगा दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर बिल्बर फोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी बिक्री करके जो मुनाफा कमाते हैं इस पे फिर लूटो इनको, तो अंग्रेजों ने लगा दिया इनकम टैक्स। फिर बिल्बर फोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी कोई भी माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं, तो गांव ले जा रहे हैं तो रास्ते में फिर लूटो इनको, तो अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स। और एक लगाया रोड टैक्स, दो अलग अलग लगाए, रोड टैक्स टोल टैक्स। फिर बिल्बर फोर्स ने कहा कि व्यापारी जब माल को लेके किसी गांव में घुसते हैं तो गांव के एंट्री पॉइंट पे फिर लूटो इनको, तो लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर बिल्बर फोर्स ने कहा कि जिस गांव से माल लेके जाते हैं तो गांव से निकलते समय फिर लूटो, वो लगाया एग्जिट टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि व्यापारी माल को बेचेंगे कमाएंगे मुनाफा, मुनाफा कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास अगर बच गया तो उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फिर वहां लूटो इनको, तो प्रॉपर्टी टैक्स। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई भी व्यापारी उद्योगपति पैसा कमाएगा मुनाफा करेगा तो घर बनाएगा, तो घर के नाम पर फिर लूटो इनको, हाउस टैक्स। घर की जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदते समय फिर लूटो, स्टाम्प ड्यूटी। तेईस तरह से व्यापारियों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम लाया, तेईस तरह से। माने अंग्रेजों ने इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प टैक्स, ये सब मिलाकर 23 तरह के टैक्स लगाए व्यापारियों को लूटने के लिए। और शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू। अब 1947 में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए, गांधी जी बार बार यही कहते थे अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करो, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटने के लिए यह व्यवस्था चलाई। लेकिन महात्मा गांधी का दुर्भाग्य यह था कि वो सब खत्म करने से पहले उनको मार डाला। अगर वो जिंदा रहते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती, भारत स्वाभिमान नहीं करना पड़ता, वो गांधी जी खुद ही कर जाते ये काम, क्योंकि उनको समझता था कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है लूटने के लिए। अब हमारा दुख और दर्द यही है कि 15 अगस्त 1947 को जिस सिस्टम को उठा के फेंक देना चाहिए था, जला देना चाहिए था, उसको हमने ना फेंका ना जलाया, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब वही सिस्टम चल रहा है और भारत को लूट रहा है। अब कितना लूट रहा है ये सिस्टम भारत को? अंग्रेजों ने तो 250 साल में 300 लाख कोटी रुपए लूटा था, आजादी के पिछले 63 साल में इस सिस्टम ने देश को अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया। अब होता क्या है कि पहले जहां गवर्नर जनरल होता था वहां भारत के पुढ़ारी हैं इस समय, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर है, ये सब गवर्नर जनरल की ताकत वाले अधिकारी हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, मंत्री कहते हैं, और उसके नीचे कमिश्नर कलेक्टर की पूरी हायरार्की खड़ी है लूट में मदद करने के लिए। तो आज के जो काले अंग्रेज हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूं, क्योंकि इन सब में आत्मा अंग्रेजों वाली ही है। ये देखने में भारतीय लगते हैं, कपड़े भी आपके जैसे मेरे जैसे पहनते हैं, आत्मा इनकी पूरी अंग्रेजों वाली है। आज के पुढ़ारी किसी भी मामले में रॉबर्ट क्लाइव से कम नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने लूट का जो रिकॉर्ड बनाया, पुढ़ारियों ने वो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है अभी। उदाहरण दो, एक काला अंग्रेज पुढ़ारी इस देश में, उसका नाम है मधु कोड़ा। झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना वो, ये कहानी तो आपको मालूम है, मैं तो याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं आप। मधु कोड़ा नाम का एक काला अंग्रेज पुढ़ारी के रूप में झारखंड का सीएम बना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री 2 वर्ष के लिए। और वो ऐसा सीएम था जो अपक्ष था, उसकी कोई पक्ष नहीं थी, निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था, चुन के आया और झारखंड के पुढ़ारियों ने मिलकर उसको सीएम बना दिया।
हूं, ऐसा था। अब जिसकी पक्ष नहीं थी वो पुढारी सीएम बन गया। उसने अंधाधुंध लूटा पूरे झारखंड का खजाना और उसने खुद ये कबूल किया है कि मैंने 5,600 कोटी रुपए लूटा 2 वर्ष में। 5,600 कोटी 2 वर्ष में। फिर उसको पूछा गया कि तुमने अकेले में लूटा? उसने कहा मुझको जो समर्थन दे रहे थे उन्होंने भी लूटा है, मैं अकेला थोड़ी लूट सकता हूं। क्योंकि ध्यान रखना, लूट में ऊपर से नीचे तक हिस्सा होता है, तभी लूट हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। तो उसने कहा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन्होंने भी लूटा, मैंने भी लूटा, तुम्हारा पैसा कहां है? तो उसने कहा स्विस बैंक में। तो मधु कोड़ा के कहने पर अधिकारी स्विट्जरलैंड गए तो वहां मधु कोड़ा के 8 खाते मिले। 2 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा उसके स्विट्जरलैंड की बैंकों में 8 खाते हैं और उसमें 5,600 कोटी रुपए जमा है। और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। अब भारत के सबसे गरीब राज्य में अपक्ष मुख्यमंत्री 2 साल में 5,600 कोटी लूट सकता है, तो भारत के सबसे श्रीमंत राज्य महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री 10-10 साल रह चुके उन्होंने 50,000 कोटी तो लूटा ही होगा, इससे तो कम सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र भारत का सबसे श्रीमंत राज्य है, पर कैपिटा इनकम में भारत के सबसे पहले नंबर पर है। एक जमाना था कि भारत का सबसे श्रीमंत राज्य पंजाब था, लेकिन जो आतंकवाद घुस गया ना पंजाब में तो पंजाब बहुत पीछे चला गया, अभी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। तो मैं तो महाराष्ट्र को सोच सोच के दुखी होता रहता हूं कि ये सबसे श्रीमंत राज्य में ऐसे कम से कम 10 पुढ़ारी हैं जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कितना लूट मचाई होगी। और वो सब पक्ष के हैं, अपक्ष नहीं है एक भी, सब पक्ष के। पक्ष वाला तो ज्यादा लूटेगा ना, अपक्ष वाला 5,600 कोटी लूटेगा 2 साल में, तो पक्ष वाला 2 साल में 10,000 कोटी तो लेने वाला है, ये तो पक्का है। तो मधु कोड़ा का जब बात समझ में आया तो हमने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया। जन्म कुंडली वो नहीं राहु केतु वाले, वो हमको नहीं आते। हमने जन्म कुंडली वो बनाई है कि ये पुढ़ारी जब राजनीति में आया तो इसके घर में कितनी संपत्ति थी और राजनीति में आने के बाद कितनी हुई। तो बिना नाम लिए, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश नहीं है नाम लेने के लिए, इसलिए बिना नाम लिए कहूंगा, लेकिन आप इतने समझदार हैं सब समझ जाएंगे। एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले घर में उसके टूटी साइकिल नहीं थी, महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री बना, केंद्र में कई बार मंत्री बना, आज भी है। आज उस पुढ़ारी की 25 साल में संपत्ति 72,000 कोटी की हो चुकी है। पच्चीस साल पहले जिसके घर में 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 स्क्वायर इंच जमीन नहीं थी, आज उस पुढ़ारी के पास मुंबई से पुणे के बीच की 1,000 एकड़ जमीन है उस अकेले पुढ़ारी के पास। ऐसी एक पुढ़ारी है जो नासिक में 25 साल पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था और हमारे पास उसके प्रमाण है, पुलिस रिकॉर्ड से हमने प्रमाण निकाले। 25 साल पहले नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, मुख्यमंत्री हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री हुआ, आज उसकी संपत्ति 55,000 कोटी की है। इसी महाराष्ट्र में एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था, आज उसकी संपत्ति 45,000 कोटी की है। और सारे भारत में ऐसे पुढ़ारियों की संख्या 80,000 है। मैंने 3 बताए हैं अभी तक, 4 बताए, एक मधु कोड़ा और बाकी ये 3।
मधु गोड़ा का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमिशन मिल गई है, कोर्ट ने कहा है कि इसका नाम ले सकते हो। बाकी का नाम कब लेंगे? जब कोर्ट परमिशन दे देगा तो उनका भी ले लेंगे। लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। अब मधु कोड़ा को मैं मानता हूं कि ये रॉबर्ट क्लाइव का पुनर्जन्म है। रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसकी आत्मा इसमें प्रवेश कर गई, और रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसी की आत्मा महाराष्ट्र के इन तीन पुढ़ारियों में प्रवेश की हुई। लूट रहे हैं, जम के लूट रहे हैं, और पूरा खानदान लूट रहा है, अकेले नहीं लूट रहे, पूरा खानदान लूटने में लगा, पूरा परिवार लूटने में लगा रखा है। बेटी लूट रही है, दामाद लूट रहा है, भतीजा लूट रहा है, सब लूट रहे हैं। और इसको हम कह रहे हैं साहब देश की सेवा कर रहे हैं। आहा, कितना सुंदर वक्त है। साहब देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा दिखता नहीं कि वो दना दल लूट रहे। ये जो लूटने वाले साहब है ना, इनके बेटे बेटियों का कुछ हमने हिसाब किताब जोड़ा, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि ये लूटखोर पुढ़ारियों के बेटे या बेटियां जब शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो एक मिनट में 20,000 रुपए खर्च करते हैं। एक मिनट में 20,000 रुपए पर मिनट का उनका एक्सपेंडिचर है शॉपिंग मॉल में जाके खरीदी करने का। ये अभी मैं पुणे गया एक शॉपिंग मॉल में, इसीलिए गया कि अक्सर वहां पुढ़ारियों के बेटे बेटी आते हैं खरीदने को। वहां जाकर मैंने कैलकुलेशन किया, मैं पूछा एक घंटे की शॉपिंग कितने रुपए की होती है उनकी, तो उन्होंने कहा आप एक घंटे की बात कर रहे हैं, आधे घंटे की पूछो, 15 मिनट की पूछो। तब कैलकुलेट करते करते एक मिनट पे आया तो 20,000 रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं शॉपिंग मॉल। और दुख मुझे ये है कि भारत के 84 कोटी लोगों को 24 तास में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है जेब में। 84 कोटी लोग एक दिन में 24 तास में 20 रुपए खर्च नहीं कर पाते, और ये लूटखोर पुढ़ारियों के एक एक बेटा या बेटी का शॉपिंग मॉल का खर्चा 20,000 रुपए। ऐसा भारत बना दिया आजादी के 63 साल। और अब की जो राजनीति है वो राजनीति क्या है? सत्ता में आओ, मंत्री बनो, लूटो, लूट के पैसे से दोबारा चुनाव जीतो, फिर मंत्री बनो, फिर लूटो, फिर पैसे खर्च करो, फिर चुनाव जीतो, फिर लूटो, फिर मंत्री बनो। एकमात्र कार्यक्रम है ये, एकमात्र। और वोट लेके जीत के मंत्री बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो लूटेंगे कैसे? तो वोट लेने के लिए पैसे खर्च करो, दारू की बोतल दो, 1,000 रुपए देना पड़े, 1,500, 2,000, एक एक परिवार को पैसे पहुंचाओ, शराब पहुंचाओ, और आप उनको साड़ियां दो, कुछ भी, टेलीविजन दो, जो देना है दो, वोट ले लो, माने खरीदो वोट, ताकि आपको लूटने का लाइसेंस मिले। और हम सब क्या कहते हैं, हमने तो ये पुढ़ारी को चुन के दे दिया 5 साल के लिए, आप इसको करेक्ट करिए, आपने 5 साल के लिए उसको लूट का लाइसेंस दे दिया, चुन कर नहीं दिया। अब 5 साल वो लूटेगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, और अगले 5 साल बाद फिर आ गया तो फिर लूटेगा, फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। और इसलिए हर पुढ़ारी ने अपने पूरे खानदान को उतारा है इस बिजनेस में, क्योंकि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। यहां इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और आमदनी लाखों कोटी रुपए की है। आपको कुछ लाख या कुछ कोटी रुपए कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उद्योग चलाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, फिर गालियां सुननी पड़ती है, ग्राहक की गालियां सुनो, और फिर टैक्स डिपार्टमेंट की गालियां सुनो, कितनी तकलीफों से आप कुछ कोटी कुछ लक्ष रुपए कमाते हैं। इन पुढ़ारियों को तो कुछ नहीं सुनना। मैं कई बार ये सोचता हूं कि मान लो मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनूं तो मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनता। ये पुढ़ारी तो बिना इन्वेस्टमेंट के पार्टनर है आपके, ये तो सीधे लूट लेते हैं आपसे, डोनेशन के नाम पर लूटते हैं, धमका के डरा के लूटते हैं, फोन करवाते हैं, गुंड बदमाशों से फोन आते हैं आपके पास, इतना दे दो, नहीं तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे।
टैक्स के रूप में तो लूटते ही हैं, गुंड टैक्स के रूप में अलग लूटते हैं। यही सारा सिस्टम चल रहा है। अब इस सिस्टम ने दुष्परिणाम क्या पैदा किया है? आजादी के 63 सालों में भारत के पुढ़ारियों ने और अधिकारियों ने मिलकर जो लूटा हुआ धन है उसका अभी कैलकुलेशन किया एक बहुत बड़ी संस्था ने, उसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था एकमात्र काम करने के लिए बनी है कि दुनिया के देशों में जो भ्रष्टाचार होता है, जो लूटखोरी होती है, उस पर अध्ययन करना, अभ्यास करना। टैक्स जस्टिस नेटवर्क का अध्ययन भारत के बारे में क्या है? उनका कहना है, 2006 के साल तक के आंकड़े बता रहा हूं, उसके आगे के आंकड़े अभी तक उन्होंने खुद नहीं तैयार किए। उनका कहना है कि 2006 के साल तक भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों ने 258 लाख करोड़ रुपए लूट लिया और विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। इसमें से 72 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में है और बाकी बचा हुआ दुनिया के 70 देशों की बैंकों में है। ये 2006 के फिगर हैं। अब 2007 भी चला गया, 2008 भी चला गया, 2009 भी चला गया और अब 2010 आधा चला गया, तो हमारा अनुमान है कि आज की तारीख तक लगभग 300 लाख करोड़ रुपए पुढ़ारी और अधिकारियों ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया। अंग्रेजों ने 300 लाख करोड़ रुपए लेने में 250 साल लगाए। इन काले अंग्रेजों ने 300 लाख करोड़ रुपए लूटने में सिर्फ 63 साल लगाए, 63 years। तो ये तो अंग्रेजों के बाप हैं। और ये बेशर्म लूट को हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। मैं विनम्रता से कह रहा हूं ये लूट तंत्र है, ये लोकतंत्र तो कहीं भी नहीं है। मैं एक भारत के पूर्व पुढ़ारी का कोट करूंगा स्टेटमेंट। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी, 1984 में वो लोकसभा में चुनकर गए और इतने बहुमत से चुनकर गए कि कभी जिंदगी में कोई प्रधानमंत्री नहीं चुनकर गया। उनके नाना को भी इतने वोट नहीं मिले जितने राजीव गांधी को मिले, उनकी माँ को भी इतने वोट कभी नहीं मिले श्रीमती गांधी को जितने राजीव गांधी को मिले। आपको मालूम है राजीव गांधी को 411 खासदार मिले थे पूरे देश में और कुल खासदार 543 होते हैं। 543 में 411 खासदार, 3/4 मेजोरिटी होती है, ये 3/4 बहुमत। पूरे देश ने उनको इतना वोट किया, वो चुनकर गए। सबसे पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने लोकसभा में किया जिस पर हंगामा मच गया सारे देश में, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बड़े साहस के साथ एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी व्यक्ति से 1 रुपये टैक्स में लेता हूं और वापस वो 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए देता हूं तो उस गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है। आपको याद है ये स्टेटमेंट राजीव गांधी? सबसे सेंसेशनल स्टेटमेंट था उनका लोकसभा में चुनकर आने के बाद। हंगामा होगा पूरे देश में, लोगों ने कहा कि राजीव गांधी ने क्या बोल दिया। तो राजीव गांधी ने कहा जो मैं बोला हूं इस पर कायम हूं, बदल नहीं सकता अपने स्टेटमेंट को क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है, भ्रष्टाचार इतना है कि हर 1 रुपये में से 85 पैसा लूट रहा है। ये राजीव गांधी ने कहा 1984 में। अब 2010, तो 1984 से 2010 तक भ्रष्टाचार और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अब हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है CAG। CAG माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि राजीव गांधी के समय में तो 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंच जाता था, अब 2010 में 1 रुपये में से 8 पैसा ही पहुंच पाता है, 92 पैसा लूट जाता है। हमने इसका कैलकुलेशन किया कि ये 92 पैसा कितना है और 1 रुपया कितना है। तो भारत के नागरिकों द्वारा कुल दिया जाने वाला जो टैक्स है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और नगर पालिका को, तीन जगह हम टैक्स देते हैं, ये टोटल टैक्स है एक साल का 21 लाख करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार को हम एक साल में देते हैं 850,000 करोड़ रुपए, राज्य की सरकारों को हम एक साल में देते हैं 1,00,000 करोड़ रुपए, और नगर पालिकाओं की सरकारों को हम एक साल में देते हैं 2,50,000 करोड़ रुपए। कुल टैक्स हम जो देते हैं 2,100,000 करोड़ रुपए है। टोटल टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, कॉरपोरेशन का, सब टोटल मिला के 2,100,000 करोड़। अब राजीव गांधी के हिसाब से इसमें से 1,800,000 करोड़ रुपए हर साल लूट जाता है, और सीएजी की आज की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें से करीब 1,900,000 करोड़ रुपए हर साल लूट जाता है, 1,950,000 करोड़। इतनी लूट होती है ऊपर से नीचे तक। लूटने वाले कितने लोग हैं? 80,000 पुढ़ारी हैं पूरे देश में। कहां तक के? केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से शुरू करके मैंने गिना तो लोकसभा के सभी खासदार, राज्यसभा के सभी खासदार, भारत की सभी विधानसभाओं के आमदार, सभी विधानसभाओं के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सभी विधानसभाओं के आमदार, फिर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी कॉरपोरेटर, टोटल मिलाकर 80,000 पुढ़ारी हैं। अभी इनमें सरपंचों को नहीं जोड़ा मैंने। अगर सरपंचों को भी इसमें जोड़ दें तो ये संख्या 500,000 के ऊपर है, माने 500,000 पुढ़ारी हैं लूटने वाले, और 2,50,00,000 अधिकारी हैं जो उनके साथ मदद करते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर जैसे सब अधिकारी मिलाकर 2,50,00,000। ये पूरा सिस्टम लूटता है। और लूट कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है? आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, लातूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको बर्थ सर्टिफिकेट अगर लेना है तो बिना रिश्वत के संभव नहीं है। यहां से शुरू होती है लूट, जन्म हुआ वहीं से भ्रष्टाचार शुरू। आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, घूस दीजिए, रिश्वत दीजिए, तभी मिलेगा। और जब मृत्यु होगी उसकी तब डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बिना रिश्वत के नहीं मिलेगा। तो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक जितनी क्रियाविधि आप करते हैं सब में लूट होती है, और यही लूट का पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है, और इसी पैसे का टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने कैलकुलेशन किया 258,00,000 करोड़ है 2006 तक। मैं उसमें जोड़ रहा हूं 2010 तक ये 300,00,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। अब हमारे सामने आखिरी बात मैं आपसे रखना चाहता हूं कि क्या करें अब हम। अंग्रेजों ने लूटा, काले अंग्रेज लूट रहे हैं, अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया काले अंग्रेज उसी को चला रहे हैं, हम क्या करें? तो दो रास्ते हैं अपने पास। एक रास्ता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे? ये एक रास्ता, जो हो रहा है अच्छा है, माने पुढ़ारी लूट रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, आगे और लूटेंगे तो और अच्छा होगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाई, लूटने दो देश को। और ये बात को कहने के लिए श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं। ये तो श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? देश लूट रहा है तो अच्छा हो रहा है, आगे लूटेगा और अच्छा होगा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये तो श्री कृष्ण का, ये हमारे देश में कहने वाले बहुत लोग हैं। मुझे कहते हैं तुम क्यों परेशान होते हो? बाबा जी को बोलो क्यों परेशान हो रहे हैं? योग करें, प्राणायाम करें, आयुर्वेद को बढ़ाए, फैलाए। ये लूटने के लोगों को पकड़ने के लिए क्यों काम कर रहे हैं बाबा जी? मुझे कहते हैं फोन बहुत आते हैं, पुढ़ारियों के फोन बहुत आते हैं, तो बाबा जी को मना कर दो, ये सब ना करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं करना, व्यवस्था परिवर्तन की बात ना करें, वो तो योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, बहुत अच्छा है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, सारा देश करता, ये भ्रष्टाचार की बात मत करें, ये मुझे कहते हैं। और मुझे सुनाते तुम क्यों परेशान हो, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि श्री कृष्ण ने ये कब कहा था ये तो बताओ। कोई भी बात जो होती है उसका कोई संदर्भ होता है, कंटेक्स्ट होता है, कौन से संदर्भ में श्री कृष्ण ने यह कहा था?
श्री कृष्ण ने यह तप कहा था जब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना पड़ा और श्री कृष्ण ने उसके लिए 18 अध्याय की गीता सुनाई। और युद्ध के मैदान में, ध्यान रखना, बेडरूम में नहीं, बेडरूम में नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं, डाइनिंग रूम में नहीं, लिविंग रूम में नहीं, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में गीता सुनाई है उन्होंने। माने गीता लड़त करने की पुस्तक है, ड्राइंग रूम में बैठने वाली और पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है, क्रांति वाली पुस्तक है। और श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, बार बार उदाहरण दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अर्जुन एक ही बात कह रहा है, मैं कैसे मारूं, ये सब मेरे भाई बांधव हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं ये तेरे भाई बांधव नहीं, ये अधर्मी है, विधर्मी है, इनको मारना तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। और फिर एकदम से अर्जुन तैयार होता है, और अर्जुन तैयार होता है तो युद्ध लड़ता है। और युद्ध के मैदान में अर्जुन जब तीर चलाता है, बाण चलाता है, तो कौरव मर रहे हैं उससे। तब श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा और भी अच्छा होगा। माने कौरव मर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, आगे और ज्यादा मरेंगे और अच्छा होगा। अर्जुन तू व्यर्थ चिंता मत कर, तू मार इनको, ये तेरा काम है। ये उस समय कहा श्री कृष्ण, अर्जुन ने उत्साह पैदा करने के, अर्जुन ने पुरुषार्थ पैदा करने के लिए श्री कृष्ण ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब हमारे जो आज के लूटखोर पुढ़ारी हैं, वो संदर्भ हटाकर ये बात हमको समझाते रहते हैं। और मैंने देखा है घरों में कैलेंडर टांग रखा है इसको, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। कैलेंडर संदर्भ नहीं है उसमें, सीधे एक ही स्टेटमेंट है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। हर आदमी कायर हो जाए, नपुंसक हो जाए, नकारा हो जाए, उसके लिए ये कैलेंडर छपाया जा रहा है, घर घर में बांटा जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कैलेंडर का घर घर में पहुंचना। कोई भी अर्जुन ना बनने पाए, इसके ही साजिश है ये कैलेंडर, और धर्म के नाम पर हो रहा है ये, ध्यान देना। और इसको बांटने वाले वही लोग हैं जो लूटने में पूरी ताकत से लगे हुए, वो नहीं चाहते कि ये लूट का सिस्टम बदले। तो हमारे सामने एक रास्ता तो ये है कि हम भी कायर हो जाएं, नपुंसक हो जाएं, नकारे लगे, जो हो रहा अच्छा हो रहा, ये तो एक रास्ता। और दूसरा रास्ता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मार, ये कौरव विधर्मी है, अधर्मी है, इनका नाश करना तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य है ये। और तू सोचना छोड़, मेरे ऊपर छोड़, मैं सोचूंगा तेरे क्या होने वाला क्या नहीं, पहले इनको मार। तो दूसरा रास्ता ये है। अब हमको तो ये दूसरा रास्ता पसंद आया, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साह देने के लिए, पुरुषार्थ देने के लिए कहा। और इसीलिए हमने भारत स्वाभिमान अभियान बनाया। और हमारे श्री कृष्ण हमको कह रहे हैं कि इन भ्रष्ट पुढ़ारियों को मार, इन्होंने जो लूट कर रखा है सारा धन निकाल इनके घरों से, इनके बैंक अकाउंट से निकाल, इनके घरों से निकाल। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये धन जो पुढ़ारियों ने लूट लिया हम निकाल पाएंगे? हाँ निकालेंगे। निकाल पाएंगे? नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके रास्ते हमें मालूम है। पहले क्या होता था कि देश के लोगों को एक भ्रम पैदा किया गया, वो भ्रम ये था कि भारत से लूटा हुआ पैसा जो स्विस बैंक में चला जाता है ये वापस नहीं आता, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन जब स्विस बैंकों के सारे नियम कायदे कानूनों को जाना समझा हमने, देखा तो पता चला कि जितना पैसा यहां से गया वो पूरा वापस आ सकता है, रास्ता है उसका, और स्विस बैंकों के पास ही उसका रास्ता है। क्या रास्ता है? जब ये पुढ़ारी पैसे को लूटकर स्विस बैंक में जमा करते हैं तो वो पैसा व्यक्तिगत संपत्ति होता है, किसी भी पुढ़ारी की या अधिकारी की। लेकिन स्विस बैंकों के कानून कहते हैं कि जब तक पैसा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है, स्विट्जरलैंड की किसी भी बैंक में जमा हो सकता है, लेकिन उसी स्विस बैंक के कानून कहते हैं कि जब वो पैसा किसी राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है
तो उस पैसे को वो जमा नहीं रख सकते, वो वापस करना पड़ता है उसी देश को जिसकी वो राष्ट्रीय संपत्ति। तो अभी जो 300 लक्ष कोटी रुपए विदेशों में चला गया, ये सब व्यक्तिगत संपत्ति है पुढ़ारियों की। अगर हम इसको कानून की मदद से राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये 300 लक्ष कोटी रुपए हमें वापस मिलेगा, एक एक पाई मिलेगा। रख ही नहीं सकते स्विस बैंक वाले, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र का एक नियम है कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसी राष्ट्र की बैंक में रखी जा सकती है वो जिस राष्ट्र की होती है। माने भारत की राष्ट्रीय संपत्ति भारत की बैंक में ही रखी जा सकती है, लेकिन भारत के किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति कहीं भी रखी जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि एक कानून नया बनाए इस देश में, और वो ये कहे कि पुढ़ारियों ने 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जितना लूटा है वो सब भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये कानून बनाना है। अब इस कानून को बनाने में कौन मदद कर सकता है? दो संस्थाएं मदद कर सकती हैं, एक संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक संस्था का नाम है पार्लियामेंट, संसद। इन दोनों की मदद हम लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं और संसद की भी मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पैसा हमें लाना है। आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की मदद लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस समय हम सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं। 6 महीने पहले वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ और उसको लड़ने वाले वकील हैं राम जेठमलानी, उनके नाम से एक पिटीशन फाइल किया गया। और वो पिटीशन इसी बात के लिए है कि भ्रष्ट पुढ़ारियों ने जो 300 लक्ष कोटी लूट रखा है विदेशी बैंकों में, सुप्रीम कोर्ट उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करे। ये केस हम लड़ रहे हैं, इस समय चल रहा है ये केस। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है, उस नोटिस में वित्त मंत्री से जवाब मांगा गया है कि दुनिया के किस देश की किस बैंक में किसका कितना पैसा है ये बात सुप्रीम कोर्ट को सरकार बताए। अभी सरकार के हाथ पर फूले हुए नोटिस आ गया है। हाथ पर क्यों फूले? जिनका पैसा जमा है वही सरकार चला रहे, तो वो बताएं कैसे, ये उनकी समस्या है। तो सरकार ने पता है क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को? उन्होंने कहा कि हम आपको 6 महीने में बताएंगे ये बात। वैसे वो अभी बता सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी माहिती है, जब हमारे पास है तो सरकार के पास भी माहिती है, लेकिन टालना है, टाइम पास करना है। तो वो बोल रहे हैं 6 महीने बाद बताएंगे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है 6 महीने बाद बताओ। अगले 6 महीने बाद सरकार फिर यही कहेगी 6 महीने बाद बताएंगे, वो टाइम पास करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि सरकार चलती रहे और सुप्रीम कोर्ट में ये टाइम पास होता रहे। हम सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बार के बाद ये अपील करेंगे कि आखिर इनको आप कितनी बार समय देंगे बताने के लिए। एक 6 महीना दे दिया, दूसरा 6 महीना दे दिया, तीसरा 6 महीना दे दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में ये कहने वाले हैं कि आपको सिर्फ एक आदेश देना है, ये नहीं बताते ना बताएं किसका पता कितना है, ये नहीं बताते ना बताएं। सुप्रीम कोर्ट एक लाइन का ऑर्डर पास करे कि जिसका भी पैसा है विदेशी बैंकों में वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बात खत्म हो गई, ऑर्डर हो गया। आपको याद है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, $133 कोटी का पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, पैसे तो चले गए और वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए स्विस बैंक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था और आदेश उनका ये था कि ये $133 कोटी भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। उस ऑर्डर का सम्मान करते हुए स्विस बैंक ने $133 कोटी वापस किया था भारत को, और वो पैसा आज तक सुप्रीम कोर्ट के डिपॉजिट में रखा हुआ है आज तक। तो हम सुप्रीम कोर्ट को ये कहने वाले हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर राष्ट्रीय संपत्ति हो सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं, बोफोर्स घोटाले का क्यों नहीं, एनरॉन घोटाला आपको मालूम है? महाराष्ट्र में एक अमेरिकन कंपनी आई थी एनरॉन, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था उसमें, उसका पैसा राष्ट्रीय संपत्ति क्यों नहीं? और हमने सारे घोटालों की लिस्ट बनाई है। सबसे पहला घोटाला हुआ था वीके कृष्ण मेनन, इस देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कागज पे जीप खरीदी थी, नेहरू जी के समय में हुआ था ये।
नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वी के कृष्ण मेनन उनके रक्षा मंत्री थे, उन्होंने जीप खरीदने का ऑर्डर दिया, जीप आई नहीं और पैसे चले गए, ऐसा हुआ था। आजादी मिलते ही घोटाले शुरू हो गए थे इस देश में। और नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में कहा कि जो घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, मैं उसको बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा। तो जब वीके कृष्ण मेनन का घोटाला निकला तो नेहरू जी से कहा गया लटकाओ इसको उल्टा बिजली के तार से। तब नेहरू जी का स्टेटमेंट सुनाता हूं। नेहरू जी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र की गाड़ी है ये बिना भ्रष्टाचार के नहीं चलती। ये नेहरू जी ने बेशर्मी के साथ कहा था पार्लियामेंट में कि ये जो डेमोक्रेसी है ना इसमें घोटाला तो जरूरी है, भ्रष्टाचार तो आवश्यक है, बिना भ्रष्टाचार के ये चलता ही नहीं है। और वी के कृष्णमेनन को बिजली के तार से नहीं लटकाया गया, बस उनसे इस्तीफा लिया गया था। लेकिन वो नेहरू जी के मित्र अंतिम दिन तक रहे, रोज शाम को नेहरू जी के साथ बैठते थे। इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी, उस समय जब आजादी मिली मिली थी हमें, इसका माने बहुत सोच समझकर इस डेमोक्रेसी को हमारे पुढ़ारियों ने चुना ताकि इसमें घोटाला करने का गुंजाइश रहे। हम सुप्रीम कोर्ट को यही कहने वाले हैं कि आप तो ऑर्डर पास करो, जैसे आपने यूरिया घोटाले में किया था वैसे आज करो। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को माने और ऑर्डर करे तो ये 300 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। ये एक रास्ता है वापस लाने का पैसा। दूसरा रास्ता है हम भारत की पार्लियामेंट में एक कानून बनाएं और वो कानून ये कहे 15 अगस्त 1947 के बाद जितने घोटाले हुए वो सारा पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इस कानून को बनाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, एक खासदार प्रस्ताव लाएगा, बाकी सब खासदार उस पर बहस करेंगे। बहस के समय हम देखेंगे कौन कौन खासदार इसका विरोध कर रहा है। आप अपने खासदार पर नजर रखना, वो क्या कह रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान नंबर एक यही है, पैसे इसी के, तो पता चलेगा बेईमान कौन कौन है। और अगर बेईमान खासदार ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा, ईमानदार खासदार ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा तो पैसे आ जाएंगे 300 लाख करोड़, और बेईमान खासदार ज्यादा हुए संसद में तो हमारा संकल्प है कि अगले चुनाव में ऐसे एक भी बेईमान खासदार को हम जीतने नहीं देंगे इस देश के किसी भी मतदार से। हम क्या करने वाले हैं, उन बेईमान खासदारों की जो जन्म कुंडली हमने तैयार की है वो लोगों के सामने रखेंगे कि देखो इसको वोट दोगे जो इतना बड़ा लुटेरा जिसने पूरा खानदान लगा रखा है लूटने के लिए, इनको चुनकर दोगे या किसी ईमानदार को चुनकर दोगे। तो लोग हमें कहेंगे भाई ईमानदार तो है नहीं कोई, ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है, करें क्या हम, दोनों ही डसने वाले हैं, 100 रुपए लूटता है एक 90 रुपए लूटता, हम करें क्या। तो हमने संकल्प लिया है कि 2014 का जब चुनाव आएगा तो देश के सामने ईमानदार लोगों को लाएंगे और लोगों से कहेंगे इनको चुनकर भेजो। और भारत में हमारी तैयारी है कि कम से कम 450 लोकसभा सीटों से हम ईमानदार खासदारों को ढूंढ ढूंढ कर चुनकर भेजेंगे। भारत स्वाभिमान चुनाव नहीं लड़ेगा, भारत स्वाभिमान पार्टी भी नहीं बनेगा, भारत स्वाभिमान एक संगठन है जो लोगों की सेवा करने के लिए बना है, ना ये पार्टी बनेगा ना ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन भारत स्वाभिमान पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार करेगा जैसे जेपी ने किया था 1977 में, वैसा हम करने वाले हैं, माहौल बनाएंगे पूरे देश। और उस माहौल में 400 खासदार आराम से चुनकर जाएंगे, बिना पैसा खर्च किए चुनकर जाएंगे, ये हमारी कोशिश है। आपको मालूम है जेपी के समय में 1977 में जेपी चुनाव नहीं लड़े,
जेपी ने कोई पक्ष नहीं बनाया, लेकिन जेपी ने पूरे देश में घूम घूम कर माहौल ऐसा बनाया, वातावरण ऐसा बनाया कि जेपी के निवेदन पर 377 खासदार चुनकर गए और सब अपक्ष थे। ध्यान से सुनना, अपक्ष 377। ये सब अपक्ष खासदार जब चुनकर पहुंच गए लोकसभा में, तब इन्होंने मिलकर पक्ष बनाया था जिसका नाम था जनता पार्टी। पार्टी बाद में बनी, चुनकर पहले गए। तो ऐसा अगर भूतकाल में हो चुका है तो भविष्य में भी होगा। हमारे पास पार्टी नहीं है, हमें मालूम है। जेपी के पास पार्टी नहीं थी, हमारे पास पैसे भी बहुत नहीं है, जेपी के पास भी पैसे नहीं थे। बिना पैसे जेपी अगर 370 खासदारों को दिल्ली पहुंचा सकते हैं लोकसभा में, तो बिना पैसे हम भी पहुंचा सकते हैं। हो सकता है हम 400 को पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि जेपी ने दक्षिण भारत को छोड़ा हुआ था, आंदोलन किया था उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप सभी जानते हैं। लेकिन दक्षिण में वो नहीं गए, पूरा केरल, पूरा तमिलनाडु, पूरा कर्नाटक, पूरा आंध्र प्रदेश जेपी के आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो ये चार राज्यों को जेपी ने छोड़ रखा था, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत। इन तीन भारत के हिस्सों से 377 गए थे। हमने दक्षिण को नहीं छोड़ा, हमने दक्षिण को भी इसमें शामिल किया। तमिलनाडु हमारा अच्छा संगठन बन रहा है, कर्नाटक और भी अच्छा है, केरल में अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं, पांडिचेरी में हमने शुरुआत कर दी है, आंध्रा में हमारा संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमने दक्षिण को भी इसमें शामिल किया। तो हमारा उम्मीद है कि हम तो 400 खासदारों को ला सकते हैं संसद में, और ईमानदार लोगों को चुन चुन कर लाएंगे जो ये कानून बना दे कि 300 लाख कोटि रुपए विदेशी बैंकों में जो है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये दूसरा रास्ता है अपने पास पैसे लाने का। तीसरा एक रास्ता और है, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसके साथ हम एक करार करें, ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन, एक करार हम अगर करें संयुक्त राष्ट्र के साथ, और इस करार को हम सही करें, और सही करने के बाद अपनी लोकसभा से उसकी अनुमोदना करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिफिकेशन। करार के रेटिफिकेशन होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र महासंघ हमारा पैसा हमें दिलवा देगा, 300 लाख कोटि, हमें कुछ नहीं करना, वो ही दिलवा देंगे। क्यों? क्योंकि उनका डंडा सभी देशों पे चलता है। जिन 70 देशों की बैंकों में ये पैसा है, उनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र का डंडा चलता है, हम उनकी मदद से ये पैसा ला सकते हैं। और अभी अमेरिका ने ऐसा किया है, हम भी कर सकते हैं। ये बराक ओबामा जब जीत कर आया ना राष्ट्रपति, इसने संयुक्त राष्ट्र के साथ करार किया, ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन, और उस करार को अमेरिकन पार्लियामेंट में रेटिफाई करा दिया इसने राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के बाद। परिणाम क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अमेरिका के भ्रष्ट पुढ़ारियों का पैसा, स्विट्जरलैंड की बैंकों में 780 अरब डॉलर था, वो वापस दिलवा दिया। अभी अमेरिका को स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर मिला, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? हमारे पास भी ये रास्ता है। और इस रास्ते में तो फायदा यह है कि बराक ओबामा यह कर चुका है, हमारे सामने उदाहरण है, हम भी कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया, हमको कोई मिल जाएगा अगले 4 साल। भारत माता कोई बांझ थोड़ी है, यहां भी कोई ना कोई निकलेगा अगले 4-5 साल में जो करेगा ये काम। और बराक ओबामा ने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, उसने कहा कि भारत की सरकार अगर यह प्रयास करेगी तो हम भारत की सरकार के साथ हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो बराक ओबामा ने उनके सामने प्रपोजल रख दिया कि आप मुझे ऑफिशियली कहो तो मैं पैसा दिलवाता हूं आपका। प्रधानमंत्री चुप, और उनके चुप होने का कारण आप जानते हैं। अब बराक ओबामा आ रहा है भारत, और उसके एजेंडे में सबसे पहले यही बिंदु है। वो कहता है मैं भारत सरकार से बात करूंगा, आपको क्यों नहीं ये पैसा वापस चाहिए, मैं दिलवाऊंगा ना आपको, रास्ता मैं बताऊंगा। अब किसी ने पूछा बराक ओबामा से कि आप भारत की इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि भारत महान देश है। क्यों महान देश है? महात्मा गांधी भारत में पैदा हुए, इसलिए महान देश।
ये जो बराक ओबामा है ना, इसके पूरे ऑफिस में एक ही पुढ़ारी की फोटो है, वो महात्मा गांधी। उसके अपने देश के किसी पुढ़ारी की फोटो उसके यहां नहीं। एक छोटी फोटो उसकी जेब में है मार्टिन लूथर किंग की, लेकिन वो कहता मार्टिन लूथर किंग तो महात्मा गांधी के चेले थे, गांधी जी से सीखा उन्होंने सब। किसी ने पूछा तुम गांधी जी को इतना क्यों मानते हो, तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी जैसे लोगों के कारण ही गोरे देश में काला राष्ट्रपति बन सका। अमेरिका में आप जानते हैं 85% वोट गोरों के हैं, 15% वोट कालों के हैं, फिर भी एक काला आदमी राष्ट्रपति बना, क्योंकि महात्मा गांधी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ जो कभी अभियान दक्षिण अफ्रीका में किया था उसका परिणाम अमेरिका पे भी पड़ा और अमेरिका में कानून बदल हुआ। नहीं तो अमेरिका में कानून ये था कि गोरा आदमी ही राष्ट्रपति हो सकता, वो कानून बदल गया, बराक ओबामा राष्ट्रपति बना। वो कहता महात्मा गांधी ने मेरा रास्ता खोला, इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूँ। तो बराक ओबामा तैयार है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ हम करार करें वो भी हमारी मदद करने को तैयार। आप पूछोगे संयुक्त राष्ट्र को क्या पड़ी है हमारी मदद करने की, उनकी एक दूसरी हेडेक है। उनका ये कहना है कि ये जो भ्रष्ट पुढ़ारियों का पैसा है विदेशी बैंकों में, इसी में से आतंकवादियों को पैसा जाता है। संयुक्त राष्ट्र चिंता कर रहा है कि सारी दुनिया में जो आतंकवाद फैल रहा है, इस आतंकवाद के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो जाता है वो स्विस बैंकों से जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं बान की मून, उनका ये कहना है कि पुढ़ारियों के जो अकाउंट हैं उन्हीं से सोर्स है आतंकवादियों के पैसे का। और बान की मून ने बहुत संकेत में ये बात कही है कि भारत के ऐसे कई भ्रष्ट पुढ़ारी हैं जो आतंकवादियों से पूरे मिले हुए हैं, महाराष्ट्र में है, दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए बहुत पुढ़ारी हैं महाराष्ट्र में, जो दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो अरेस्ट हुआ तो इनकी पोल खोलेगा। तो चिंता की बात है संयुक्त राष्ट्र के लिए कि भ्रष्टाचार का पैसा आतंकवाद में खर्च हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि आतंकवाद हमें खत्म करना है, इसलिए बैंकों के अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, आतंकवादियों को ये धन मिलना बंद हो, और इसके लिए वो सब पैसा उन देशों में वापस चला जाए जिन देशों से आया, ये उनका इंटरेस्ट है। तो हमारा तो लाभ तीन तरफ से हो सकता है, हम चाहें तो संकल्प चाहिए, बस रास्ता तो है अपने पास। और एक रास्ता है, आखिरी रास्ता, वो क्या है? अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक भ्रष्ट आदमी पकड़ा गया, वो पुणे में रहता, उसका नाम है हसन अली। सीबीआई ने उसके घर में जब रेड किया तो उसकी 72,000 कोटि की प्रॉपर्टी मिली हसन अली के। तो हसन अली को पूछा गया तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, तो उसने कहा मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरी कोई खेती नहीं है, मेरा कोई फार्म नहीं है, फिर इतना पैसा कहां से आया? तो उसने कहा कि मैं भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों का एजेंट हूं स्विस बैंक का। तो पुढ़ारी जो पैसा वहां जमा करते हैं उसका मैं मीडिएटर हूं, तो मैं जिनका पैसा जमा कराता हूं वो मुझे कमीशन देते हैं, तो कमीशन में मुझे 72,000 कोटि मिल चुका है अब तक। अब कमीशन में 72,000 कोटि मिल चुका है तो असली पुढ़ारियों का कितना है सोचो। हसन अली को पूछा गया कि ये तरीका क्या है तुमको कमीशन मिलने का, तो उसने कहा कि कोई भी पुढ़ारी मेरे पास आता है और वो कहता है ये 1,000 कोटि रुपए स्विस बैंक में रखना है, तो मैं उससे नोट लेता हूँ, इंडियन करेंसी में पैसे ले लेता हूँ, फिर मेरे एजेंट के मार्फत मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराता हूँ, डॉलर में बदल कराता हूँ, और वो डॉलर फिर स्विस बैंक में जमा होता है। मतलब ये है कि नोट बाहर नहीं जाता, नोट का डॉलर बदल होके बाहर जाता है, यही बात है। हवाला ट्रांजेक्शन इसी को कहते हैं। नोट तो सब यही है, किसी हसन अली के पास, किसी और के पास, 300 लक्ष कोटी के नोट यही है, कहीं नहीं है, यहीं पे है। ये 300 लक्ष कोटी सोने में बदल हुआ है या डॉलर में बदल हुआ है और विदेशों में चला गया है, ये है वास्तविकता। तो हमने एक योजना बनाई है कि ये 300 लक्ष कोटी के जो नोट है इनको वापस ले लो, रिजर्व बैंक की तरफ से एक आदेश करो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने 1,000 के नोट छपे हैं सब वापस लिए जाएंगे।
500 के जितने नोट छपे हैं वापस लिए जाएंगे, 100 के जितने नोट छपे हैं वापस लिए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर भ्रष्टाचार की रकम 1,000, 500 और 100 के नोटों में ही जाती है। 50 के नोट में कोई किसी को रिश्वत नहीं देता, कितना देगा, ट्रक भर के ले जाना पड़े। तो रिश्वत का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा 1,000, 500, 100 के नोट में है। तो हमारी योजना है भारत स्वाभिमान की कि ये 1,000, 500, 100 के नोट हम रिकॉल करेंगे, वापस लेंगे। इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा तो लाएंगे, और इसमें 6 महीने का समय देंगे। जिसके पास 1,000 के, 500 के, 100 के नोट है, 6 महीने में सब जमा करो, बैंकों में लाके रख दो, नहीं तो 6 महीने के बाद वो कागज का टुकड़ा है, उस पर से वो वाक्य हटा लिया जाएगा, मैं धारक को 1,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये सेंटेंस हम हटा देंगे बस। आपने देखा नोट में लिखा रहता, ये गारंटी जो है ये हटा देंगे, और ये गारंटी हटाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट चाहे तो ये गारंटी वापस ले सकती है, तो वो नोट नहीं है, कागज का टुकड़ा है। फिर तो जिन जिन के पास है हसन अली जैसे लोग, ये सब डर के मारे जमा करेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद वो कागज का टुकड़ा है, वो 1,000 रुपए नहीं है। फिर तो डर के मारे ये लाएंगे, तो सब धन निकलेगा, 300 लक्ष कोटि यही निकले, और ये एक बार निकल आया तो काम खत्म अपना। हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करके नए नोट छाप देंगे, वो अधिकार हमारे पास है। जितने नोट आप रिकॉल करते हैं उतने ही नोट नए छाप सकते हैं, नई सीरीज आप डाल सकते हैं, तो सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। ये हमारे पास चौथा रास्ता है। तो रास्ते 4 हैं, काम तो एक ही करना है, जिस रास्ते से हो करना है, और ये पैसा तो लाना है। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं, 1 से 2% जो आधा खादी पहनते हैं और आधा टेरिलिन टेरिकॉट पहनते हैं। ऊपर का झब्बा उनका खादी का होता है, नीचे का पैंट उनका टेरिलिन टेरिकॉट का हो सकता है। तो लगभग भारत में 15 कोटी तक लोग हैं जो खादी पहनते हैं। हमें इनकी संख्या दुप्पट करनी है, 30 कोटी करनी है। 30 कोटी संख्या होते ही 6,38,365 गांव के 15 कोटी लोगों को खादी बनाने का जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल जाए, और कापूस अपने पास है। तो हम नीति बदलेंगे, अभी कापूस एक्सपोर्ट होता है, हम कापूस एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे इस देश से, कापूस का खादी बना के एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हमारी सरकारों ने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी बना रखी है, इसको रिवर्स करेंगे, रॉ मटेरियल कुछ नहीं भेजना, उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के भेजना, उसी में फायदा है। 15 कोटी लोगों को काम मिलेगा और मेरे जैसे लोगों को अच्छी खादी मिलेगी। तो मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप अभी से अपने जीवन में थोड़ी आदत डालो खादी पहनने की। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने खुद खादी पहनना अभी शुरू किया है, उनका जो अंग वस्त्र है ना वो खादी का है, अभी पहले कॉटन का होता था, अभी वो खादी का है। और उनका कहना है कि जब मैं पहनूंगा तब मैं सबको कहूंगा तो मानेंगे लोग। तो हमारे योग शिक्षकों ने भी शुरू किया है, आप भी थोड़ा इसमें मदद कर दो। आप अपने जीवन में एक छोटा सा नियम ले लो कि मैं जितने कपड़े हर साल खरीदता हूं उसमें 10%, 15%, 20% खादी का ही खरीदूंगा। लातूर में खादी भंडार है, बहुत अच्छा खादी भंडार है। लातूर के अलावा सब जगह मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में हर जगह खादी भंडार है, आप उनसे खादी खरीदो ताकि लोगों को काम मिले और हमारे शेतकरी को कापूस का भाव मिले। कापूस का अच्छा भाव देना है तो उसका सबसे आसान तरीका है खादी पहने, कापूस को भाव। और महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि वो कहते कहते मर गए कि भारत का हर व्यक्ति खादी पहने तो ये देश स्वावलंबी होगा, समृद्ध होगा, स्वदेशी होगा। तो उनको अगर श्रद्धांजलि देनी है तो भी हम खादी पहने, और अपने लोगों को काम देना है तो भी खादी पहने, और देश के 4 लाख से ज्यादा गांव में उद्योगों को मदद करें। ऐसी हमारी दूसरी योजना है, 5 लाख से ज्यादा गांव है जहां गाय है भारत में और बैल है। गाय का जो मूत्र है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं। पतंजलि योगपीठ इस समय गाय का मूत्र खरीदता है शेतकरी नागरिकों से 8 रुपए लीटर, और उस खरीदे हुए गोमूत्र से हम बनाते हैं औषधि, और वो औषधि भारत और दुनिया में बिकती है।
आप पतंजलि चिकित्सालय में आंख में डालने वाली जो औषधि मांगेंगे ना, वो गोमूत्र से ही बनी है और इतने चमत्कारी उसके परिणाम है, चश्मा उतर जाता है, कैटरेक्ट खत्म हो जाता है, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट ठीक हो जाता है। दुनिया में आंखों की जो बीमारियां ठीक नहीं होती वो गोमूत्र की औषधि से ठीक होते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट सारी दुनिया में एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती, उसका ऑपरेशन भी नहीं है, लेकिन गोमूत्र की हमारी जो औषधि है पतंजलि चिकित्सालय में मिलती है वो रेटिनल डिटैचमेंट खत्म कर देती है। सारे दुनिया के चिकित्सक हैरान है कि ये क्या चमत्कार आप लोग करते हैं। उसमें चमत्कार कुछ नहीं है, गाय का मूत्र है, मुख्य औषधि उसकी गोमूत्र है। ऐसे गोमूत्र से 48 औषधि बनाई जा सकती है। भारत के 5 लाख गांव में गाय है तो हम चाहते हैं कि 5 लाख गांव में गोमूत्र कलेक्शन के सेंटर बने। जैसे दूध कलेक्शन के सेंटर है वैसे मूत्र कलेक्शन के सेंटर हम बनाने वाले। और हर किसान जो गाय पालता है उसको एक गाय 3 से 4 लीटर मूत्र एक दिन में दे देती है, तो 32 से 40 रुपए की इनकम उसकी मूत्र से होती है। 5 लाख गांव में हर शेतकरी को ये हम मदद कर सकते हैं। फिर गाय का शेन भी है, गाय के शेन से खत बनता है, गाय के शेन से साबुन बनता है, गाय के शेन से धूप बत्ती बनती है, गाय के शेन से अगरबत्ती बनती है, गाय के शेन से शैम्पू बनता है, गाय के शेन से 50 वस्तुएं बनती हैं। वो गांव गांव में बनवाना है, उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाले। आप बोलोगे ट्रेनिंग कौन देगा, हमारे योग शिक्षक देने वाले। जो गांव गांव जाकर योग सिखाते हैं वही गांव गांव जाकर गोमूत्र से औषधि बनाना भी सिखाएंगे, वही शेन से वस्तुएं बनाना सिखाएंगे। थोड़े दिन में ये काम हम शुरू करने वाले। तो भारत के 5 लाख गांव में कोटि कोटि शेतकरी को इससे रोजगार मिलेगा और इससे गाय की इज्जत भी बढ़ेगी और गाय कत्ल होना भी बंद होगा। जब गाय का मूत्र बिकेगा, गाय का शेन बिकेगा, तो कौन शेतकरी है जो गाय को कसाई को देगा? क्योंकि शेन और मूत्र तो जीवन के अंतिम दिन तक गाय से मिलता है, दूध तो थोड़े दिन मिलता है गाय से, लेकिन शेन और मूत्र तो हमेशा मिलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश के शेतकरी को कि दूध मिले तो बोनस है, शेन और मूत्र उसकी असली इनकम है। तो शेतकरी गाय पालेंगे शेन और मूत्र के लिए, दूध तो उनको बोनस में मिलेगा। तो 5 लाख गांव में हमें ये उद्योग करना है। और इसी उद्योग का एक छोटा पार्ट है, गाय के शेन से गैस निकलती है जिसको हम सभी जानते हैं गोबर गैस, इसको तकनीकी भाषा में कहते हैं मीथेन गैस। ये मीथेन गैस से सभी गाड़ियां चल सकती हैं, इसका परीक्षण करके देखा हम लोगों ने। मीथेन गैस से कार चलती है, बस चलती है, ट्रक चलता है। बस करना क्या है कि शेन में से जो गैस निकला इसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरना है और वो सिलेंडर गाड़ी में लगाना है, गाड़ी चलेगी आपकी। और खर्चा कितना आता है, 15 पैसे किलोमीटर खर्च आता है गाड़ी चलाने का खर्च। पेट्रोल में 7.5 रुपए किलोमीटर का खर्च है, डीजल में 3.5-4 रुपए का है और शेन से 15 पैसे 20 पैसे किलोमीटर का खर्च है। तो हमारी योजना है कि सारे देश में से शेन इकट्ठा करें, गैस निकालें, उस गैस को सिलेंडर में भरें, गांव गांव ये इंडस्ट्री चलेगी। सिलेंडर बनाने का काम, सिलेंडर में भरने का काम, कंप्रेशर बनाने का काम, कंप्रेशर इंस्टॉल करने का काम, इतना बड़ा काम होने वाला है ये 4-5 साल। ऐसी हमारी एक तीसरी योजना है, भारत के 3.5 लाख गांव में आम पैदा होता है मैंगो। ये आम बाजार में 15-20 रुपए किलो बिकता है, लेकिन इसी मैंगो का माजा जब बनता है या फ्रूटी जब बनता है तो 250 रुपए लीटर बिकता है, 200 रुपए लीटर बिकता है। तो शेतकरी को हम कहेंगे आम मत बेचो, माजा बना के बेचो, वो बिकेगा 250 रुपए लीटर। अब पीने वाले हैं इस देश में, मूर्खों की कोई कमी नहीं है। हाँ, 15 रुपए किलो का शुद्ध आम नहीं खाएंगे, 200 रुपए किलो का माजा पिएंगे, ऐसे मूर्खों के मूर्ख हैं इस देश में। और इन्हीं मूर्खों को लूटने के लिए विदेशी कंपनी आती है, तो हम शेतकरी को कहेंगे तुम ही करो ये काम, विदेशी कंपनी का माजा लेने से अच्छा है गांव गांव का शेतकरी तैयार करे, वो बिके पूरे देश में।
आम का माजा भी बन सकता है, आम का अचार भी होता है, आम का मुरब्बा भी होता है, आम की चटनी भी होती है, आम का पापड़ भी होता है, आम से 50 प्रोडक्ट बनते हैं। और एक अद्भुत बात बताता हूँ, आम की जो गुठली होती है ना उसका तेल निकलता है और दुनिया में सबसे महंगा बिकता है। मैंने अमेरिका और यूरोप के मार्केट में पता किया, आम की गुठली का तेल 9000 रुपए लीटर है, 9000 रुपीस पर लीटर। और जो खरीदते हैं ना वो बोलते हैं आप जितना बेचो हम ले लेंगे। मैं पूछा उनको तुम्हारे क्या काम का, उन्होंने कहा इससे हम बहुत सारी मेडिसिन बना लेते हैं। तो आम की गुठली का तेल 9000 रुपए लीटर है और शेतकरी को यह माहिती नहीं है, वो फालतू में गुठली फेंक रहा, आम चूस रहा है गुठली फेंक रहा। मत फेंको इसको, संभाल के रखो, एक दिन हम लेंगे आपसे ये सब, घर घर में कचरा पेटी में ये संभाल के रखो। या तो आम की गुठली से आम का झाड़ बनाओ, नहीं तो उसको फेंको मत बेकार में, उसमें से तेल निकालना है हमको, गांव गांव ये इंडस्ट्री लगानी है। अभी तक हम निकालते थे शेंगदाना तेल, अभी तक निकालते थे तिल का तेल, अभी तक निकालते थे नारियल का तेल, अब निकालेंगे आम की गुठली का तेल। बहुत महंगा है, अच्छी कीमत मिलेगी। और भारत के 3.5 लाख गांव में आम है और 1.5 लाख गांव ऐसे हैं जहां आम हो सकता है, तो हम प्रमोशन करेंगे आम के झाड़ लगाना, आम के बगीचे लगाना। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, ऐसी एक इंडस्ट्री है भारत के 3 लाख गांव में गेहूं होता है। गेहूं तो, गेहूं तो कोई नहीं खाता, गेहूं का आटा खाते हैं सब। गेहूं बिकता है 11 रुपए किलो, आटा बिकता है 26 रुपए किलो। तो शेतकरी समाज को बताना है गेहूं मत बेचो, आटा बेचो। आटा कैसे बनेंगे, वो घंटी चलाएंगे गांव गांव में, चक्की चलाएंगे, आटा बनेगा, आटा बनेगा वो बिकेगा 26 रुपए किलो और बेचने में हम मदद करेंगे। और ये जो हाथ वाली घंटी होती है ना, इसका आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उस आटे की रोटी आप खाओ तो कभी एसिडिटी हाइपर एसिडिटी कुछ नहीं होता, अच्छे से हजम होता है। और उस घंटी को चलाओ तो तौंद अंदर चली जाती है, पेट अंदर चला जाता है, हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है। जो आई और ताई 15 मिनट रोज चलाए उसको नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता बच्चे के जन्म के लिए। कितनी अद्भुत चीज है जो हमारे देश ने बनाई, हाथ की घंटी। जिसने भी इसका इन्वेंशन किया बहुत दिमाग वाला कोई व्यक्ति रहा हो। वो मशीन से जो आटा बनाते हैं उसमें क्वालिटी नहीं है, पोषकता उसकी जल जाती है। तो देश के 3 लाख गांव में हम ये काम करवा सकते हैं। और आटा ही नहीं बनेगा, उसमें से सूजी बनेगी, मैदा बनेगा, दलिया बनेगा, उसका 3 पट लाभ शेतकरी को मिलेगा। ऐसे ही भारत में लगभग 1.5 से 2 लाख गांव में बटाटा पैदा होता है। हम शेतकरी को कहेंगे बटाटा मत बेचो, चिप्स बेचो, क्योंकि बटाटा 10 रुपए किलो है, चिप्स 480 रुपए किलो। अंकल्स चिप्स, रफल्स चिप्स, हॉस्टेस चिप्स, और खाने वाले मूर्ख हैं फिर मैं बोल रहा हूं, 10-12 रुपए किलो का बटाटा नहीं खाते, 480 रुपए किलो का चिप्स खाते। तो शेतकरी को समझाएंगे कि चिप्स बेचो। और चिप्स बनाना सब घर में संभव है, कोई भी आई बना सकती है, आसान है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं। 1 लाख से ज्यादा गांव है भारत में जहां टमाटर है, टमाटर, टमाटर का सॉस बनता है और वो 200 रुपए किलो बिकता है, मैगी, और टमाटर 10 रुपए किलो में सड़ता है। तो शेतकरी को कहेंगे टमाटर मत बेचो, सॉस बेचो। खाने वाले है ना मूर्ख, 200 रुपए किलो का टमाटर सॉस तो देंगे उनको। जब विदेशी ये सब बेच रहे हैं आके, 20,000 मील दूर से अमेरिकन कंपनी आके ये बेच रही है टोमेटो सॉस, हम क्यों नहीं बेचे हमारे देश में? ऐसे 100 उद्योग गांव गांव लगाने हैं, इसमें 10 लाख कोटी रुपए खर्च होगा। रकम अपने पास 300 लक्ष कोटि की है, 10 लक्ष कोटि खर्च करेंगे क्या फर्क पड़ता है? और ये खर्च करने से 64 कोटि लोगों को रोजगार मिल जाएगा हर गांव। फिर उसके बाद हमारी अगली योजना है 4 लक्ष कोटि खर्च करेंगे तो हर गांव को 24 तास बीज देंगे, हर गांव को 24 तास करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम दे सकते हैं। 4 लक्ष कोटि का खर्चा है बस, तो क्या मुश्किल है? 300 लक्ष कोटि है अपने पास, 4 लक्ष कोटि खर्च करें। 7 लक्ष कोटि खर्च करेंगे तो हर गांव को सड़क बन जाएगी, वैसी सड़क बन जाएगी जैसे दिल्ली में राजपथ है,
जो सबसे अच्छी सड़क मानी जाती है वो हर गांव में हम दे सकते हैं 7 लक्ष कोटि में। 12 लक्ष कोटि खर्च करें, हर गांव को स्कूल और हॉस्पिटल मिल जाएगा आयुर्वेद का। 15 लक्ष कोटि खर्च करें तो हरेक शेतकरी के शेत को पानी मिल जाएगा। अभी 40% शेती को ही पानी है, 60% शेती पाउस आधारित है। इस पूरी शेती को हम पानी देना चाहते हैं और ये सारा खर्च 50 लक्ष कोटि में होगा और रकम 300 लक्ष कोटि है। आराम से खर्च करेंगे, 250 लक्ष कोटि बचेगा, उस बचे हुए को बैंक में जमा कर देंगे फिक्स डिपॉजिट में, उसका एक वर्ष का ब्याज मिलेगा 25 लक्ष कोटि। और ये ब्याज जो है ना टोटल टैक्स कलेक्शन से जास्ती है। हमारा टैक्स है ना 21 लक्ष कोटी का, ब्याज ही हमें मिल जाएगा 25 लक्ष कोटी का, तो टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं, सारे देश में टैक्स खत्म। सबसे पहले इनकम टैक्स खत्म करेंगे, इनकम टैक्स खत्म होते ही सारा बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म। पता है कैसे? इनकम के टैक्स का कानून है वो ये कहता है कि आप 100 रुपए कमाओ, सरकार को 30 रुपए दो तो 70 रुपए व्हाइट मनी है, नहीं दिया तो 100 रुपए ब्लैक मनी। ये है कानून, कानून बदल दो, इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, तो जो 100 रुपए है वो सब व्हाइट मनी है, सब सफेद धन है, तो ब्लैक मनी है ही नहीं। ब्लैक मनी नहीं होगा तो कोई घूस देने वाला नहीं, दे ही नहीं सकता। पैसा काला होता है तभी घूस दी जाती है, रिश्वत दी जाती है। सफेद पैसा है कोई नहीं देने वाला, तो सारे पुढ़ारी भूखे मरेंगे, फिर कोई इनको नहीं देगा डोनेशन। अभी तो डर के मारे देते हैं हम पुढ़ारियों को, पता नहीं क्या करेंगे, और वो डर के मारे हम ब्लैक मनी देते हैं। आपके पास मनी ब्लैक रहेगा ही नहीं, आप दोगे क्या? कोई नहीं देने वाला, तो सारे देश का ब्लैक मनी भी व्हाइट हो जाएगा। 60 लक्ष कोटि का ब्लैक मनी व्हाइट होगा इनकम टैक्स हटाने के बाद, और सब ईमानदार हो जाएंगे। अभी क्या होता है, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए हम इनकम को छुपाते हैं, जब इनकम टैक्स ही नहीं है तो इनकम छुपाने की गरज नहीं है, सब इनकम ओपन हो जाएगी। इसी तरह से सेंट्रल एक्साइज हम खत्म करेंगे, सेंट्रल एक्साइज के कारण लोग उत्पादन छुपाते हैं, उत्पादन छुपाने की जरूरत नहीं, उत्पन्न को खुला करो, जितना उत्पन्न बताओ। वैल्यू एडेड टैक्स चोरी करने के लिए बिक्री को छुपाते हैं, हम टैक्स ही हटा देंगे, बिक्री कोई क्यों छुपाए, तो बिक्री खुल जाएगी, उत्पन्न खुल जाएगा, आमदनी खुल जाएगी, तो देश तो अपने आप ईमानदार हो जाएगा, और उत्पन्न बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, तो उसका सारा लाभ समाज को मिलेगा। और अंत में पता है क्या होगा, जब इनकम पे टैक्स नहीं होगा तो कोई पैसा देश के बाहर विदेशी बैंक में जमा होगा ही नहीं। ये काम हम करने वाले हैं, टैक्स के सिस्टम को खत्म करना, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया हुआ है हमें लूटने के लिए, हमें इसकी गरज नहीं। फिर इस सिस्टम को खत्म करने के बाद ये कलेक्टर कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर इस सिस्टम को भी खत्म करना, इनकी गरज क्या, इनकी जरूरत क्या, जब अपने को लूटना नहीं है तो कलेक्टर की क्या जरूरत, कमिश्नर की क्या जरूरत। तो आप बोलेंगे प्रशासन कैसे चलेगा, महात्मा गांधी ने इसके लिए पूरी ड्राफ्टिंग करके रखी है कि कलेक्टर कमिश्नर को हटाकर कैसे हम सिस्टम को चला सकते हैं, वो हमारे पास है, महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा मेहनत करके बनाया हुआ ड्राफ्ट है, उन्होंने कल्पना की थी लोक प्रशासन, वो है हमारे पास, उसको लागू करेंगे और इसमें गुंजाइश कम से कम रहेगी। गांधी जी ने कहा था लोक प्रशासन होगा और लोक सेवक होंगे, अधिकारी कोई नहीं होगा इस देश में। फिर हमें न्याय व्यवस्था बदलनी है, हमारी जो जुडिशियल सिस्टम में कानून है आईपीसी सीआरपीसी ये बदलने, क्योंकि बहुत रद्दी कानून है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी हुई, 35,000 लोग मरे, हमारा जजमेंट आया 2 साल की सजा। ये है हमारा न्याय तंत्र, 35,000 लोग मर गए और जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको 2 वर्ष की सजा मिली, और उसमें भी बेल, बेल कभी भी ले सकते हैं, और उन्होंने ली और सब छूट गए, सुबह सजा मिली शाम को सब छूट गए। इतना रद्दी न्याय व्यवस्था हमें नहीं चलाना, इसको बदलना है। फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है,
ऐसी भारत की सभी व्यवस्थाओं को बदलना है जो अंग्रेजों के समय से है। मैकॉले ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया ये बदलना है, अंग्रेजी भाषा को भी हटाना है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा को लाना है। महाराष्ट्र के लोग मराठी में पढ़े, कर्नाटक के कन्नड़ में, तमिल के तमिल में, केरल वाले मलयालम में, मातृभाषा में पूरा शिक्षा, बचपन से लेकर उच्च शिक्षण तक सब मातृभाषा में, और देश के काम आने के लिए एक राष्ट्रभाषा बनानी। 80% लोग भारत में हिंदी समझते हैं और बोलते हैं, और 95% लोग हिंदी समझते हैं बोल नहीं पाते, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। संस्कृत उसकी सहयोगी भाषा हो सकती है, तो शिक्षण में परिवर्तन करना, और ये सारे परिवर्तन कुल मिलाकर 64 है, 64 काम करने हैं, और उसके लिए हमने तय किया है कि अगले 4 साल में इस भारत स्वाभिमान के 5 कोटी मेंबर बना के ये सब काम कर देंगे। एक आखिरी काम और करना है हमको, कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम 250 लाख करोड़ बैंक के डिपॉजिट में रख के हर साल 25 लाख करोड़ का इनकम कर सकते हैं, देश का टैक्स हटाने के लिए आसान है। ये 25 लाख करोड़ की इनकम अनंत काल तक होने वाली, जब तक आपकी मूल पूंजी बैंक में है तब तक ये इनकम होने वाली है, और हमने सारे कैलकुलेशन करके देख लिया कि 5 साल के बाद हमको इस इनकम की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि 5 साल में 125 लाख करोड़ आ जाएगा और भारत के 680 शहरों को सारा विकसित हम कर देंगे। गांव विकसित हो जाएंगे 50 लाख करोड़ में, शहर विकसित हो जाएंगे 125 लाख करोड़ में, तो 6 साल के बाद तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम करेंगे क्या 25 लाख करोड़ का। पैसे तो आने ही वाले, विकास तो हो गया, अब क्या करें? तो हमने उसकी योजना बनाई है कि वो 25 लाख करोड़ भारत के पड़ोसी देशों को मदद में खर्च करेंगे, और ऐसे 70 देशों की सूची हमने बनाई है जिनको हम मदद करेंगे। उसमें 2 देश नहीं है, एक पाकिस्तान और एक चीन, बाकी 70 देश हैं, उनको हम मदद करेंगे अपनी तरफ से, तो उनकी गरीबी बेकारी भी हम दूर करेंगे। उनकी गरीबी बेकारी अगर हमने दूर कर पाई तो वो हमारे दोस्त हो जाएंगे, ऐसे 70 देश हैं। इनको दोस्त बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा लड़ना है, 300 लाख करोड़ उन्होंने जो लूटा है वो वापस लाना। आप बोलेंगे ये 70 देश क्यों चाहिए हमें? अंतरराष्ट्रीय अदालत है एक दुनिया में, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें कोई बड़ा मुकदमा लड़ने के लिए 1/3 देशों का समर्थन लगता है। दुनिया में इस समय 200 देश हैं, हमें 70 देशों का समर्थन चाहिए। वो 70 देशों को हम पहले मदद करेंगे, बाद में वो हमारा समर्थन करेंगे, तो अंग्रेजों के खिलाफ केस रजिस्टर होगा। उस केस में हम डॉक्यूमेंट्स देंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कि कब किसने कितना लूटा, ये पैसा वापस चाहिए और ब्याज सहित चाहिए। बहुत सारे विशेषज्ञों को, तज्ञ लोगों को मैंने बात की है, तो वो ये कहते हैं कि इस मुकदमे को तो आप तुरंत जीत जाएंगे, इसमें बस इतनी ही देरी है कि जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं लूट के वो सब आपको इंटरनेशनल कोर्ट में सबमिट करने, फैसला तो आपके पक्ष में आएगा, तब 450 लाख करोड़ इंग्लैंड से वापस लेंगे, और ये रुपया हम गोल्ड में लेंगे, सोने में लेंगे, पौंड में नहीं लेंगे, क्योंकि पौंड में अगर हमने ये लिया तो ये पैसा तो भारत में आते ही पौंड क्रैश हो जाए, तो उसमें फायदा नहीं। डॉलर में भी नहीं लेंगे, क्योंकि डॉलर पौंड के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी क्रैश होगा। हम लेंगे गोल्ड में ये। तो आप बोलेंगे क्या गोल्ड है अंग्रेजों के पास? है ना, हमारा लूटा हुआ सब रखा है। ब्रिटेन के म्यूजियम्स में आप जाओ तो भारत से लूटा हुआ उन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ है। हमारा तो सोमनाथ का मंदिर जो था ना सोने का, जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था, महमूद गजनबी उसका दरवाजा उखाड़ के ले गया था सोमनाथ के मंदिर का, वो सोने का दरवाजा मैंने देखा, वो लंदन में रखा है सोने का दरवाजा। मैं वहां पूछा एक अंग्रेज को कि ये तुमको किसने दिया? उसने कहा हम महमूद गजनबी को लूट के लाए थे इसे। है हमारा वो, रखा है लंदन में, वो ही लेंगे पहले। और ऐसी सोने के सिक्के वहां रखे हैं, सोने की तलवारें, सोने के कप और बशी, बहुत कुछ पड़ा है, वो ले लेंगे सब सोने के रूप। और 450 लाख करोड़ का सोना अगर है हमारे पास, तो कभी भी इतनी रकम हम प्रिंट करके मार्केट में डाल सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता।
450 लक्ष कोटी का करेंसी हम प्रिंट कर सकते, और 450 लक्ष कोटी अगर हमने डिपॉजिट कर दिया रिजर्व बैंक में तो भारत के रुपए की ताकत 50 पट बढ़ जाएगी एक दिन में, विद इन वन डे। और रुपए की ताकत 50 पट बढ़ी तो डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा। फिर डॉलर रुपया अगर बराबर हुआ तो 4 करोड़ भारतवासी जो अमेरिका और यूरोप में, ये सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये इसलिए बाहर गए थे कि $1 में 50 रुपया, अभी $1 में 1 रुपया हो गया तो करेंगे क्या, जब थोड़ी मारेंगे वहां वापस आएंगे। और ये 4 करोड़ भारतवासी अगर आ गए तो इनका जो ब्रेन है वो देश के लिए काम में आएगा, अभी ये अमेरिका की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे लिए सेवा में इनको लगाना है, क्योंकि हमने पढ़ाया इनको, हमने खर्च किया इनके ऊपर और सेवा हमें काम में दे रहे हैं। अमेरिका में नासा जो संस्था है उसमें 36% वैज्ञानिक भारत के हैं, ये सब वापस अगर आ जाए तो नासा जैसी हम 100 संस्थाएं बना सकते हैं। अमेरिका में MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 43% इंजीनियर भारत के हैं, ये वापस आने चाहिए। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसमें 53% इंजीनियर भारत के हैं, ये जाने चाहिए वापस। और इनको लाने का एक ही तरीका है, डॉलर रुपया बराबर करो, नहीं तो नहीं आने वाले ये। इनको देश से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम होता तो ये भागते नहीं यहां से, इनको प्रेम है डॉलर से, और डॉलर को क्रैश करा दो ये अपने आप भाग के वापस आएंगे, ये रह ही नहीं पाएंगे वहां तो। और एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि 1 रुपए में $7 हो जाएगा, ये आप बहुत जल्दी देखेंगे अगले 5 से 7 साल। और अगर 1 रुपए में $7 हो गया तो आप सोचो ये देश कहां से कहां पहुंचेगा। एक ही कैलकुलेशन बताता हूं कि अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 8 लक्ष कोटी का, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा 400 लक्ष कोटी का। और 400 लक्ष कोटी का एक्सपोर्ट माने इनकम हमारी, और अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं 15 लक्ष कोटी का, ये इंपोर्ट रह जाएगा 50,000 कोटी का। इंपोर्ट तो कम होगा, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, तो ट्रेड सरप्लस होगा, और वो ट्रेड सरप्लस हम चीन से ज्यादा करेंगे, अमेरिका से भी ज्यादा करेंगे, तो भारत चीन और अमेरिका से भी आगे जाएगा। सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनाना है इस भारत को, क्योंकि भूतकाल में ये दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी इसको विश्व गुरु ही बनाना है। और अब की बार भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया था तो सबने लूटा, सोने का शेर होता तो छू के देखे कोई उसे, शेर को नहीं लूट सकते, चिड़िया को लूट लेते हैं। तो अब इस देश को सोने का शेर बनाना है, यही सपना है भारत स्वाभिमान का। आपको लगेगा कि अभी तो ये सपना है, हां अभी ये सपना है, 4 साल बाद हकीकत बनेगा। और दुनिया में हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है, एक दिन के बाद वो हकीकत बन जाता है। 14 अगस्त 1947 तक हम आजाद होंगे वो सपना था, 15 अगस्त 47 को हम आजाद हो गए। हैदराबाद रियासत भारत में रहेगी, ये सपना था स्वामी रामानंद तीर्थ का, लेकिन ये हकीकत बन गया। 1857 में लड़त होगी अंग्रेजों से, ये सपना था परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती का, थोड़े दिन में हकीकत बन गया। हर सपना हकीकत बनता है, सपना देखने वालों की ताकत कितनी है ये महत्व की बात। और मैंने देखा है इस देश में कि सन्यासी का सपना जल्दी हकीकत बनता है, एक आम आदमी का सपना तो देर में बनता है हकीकत, लेकिन सन्यासी का सपना तो सबसे जल्दी हकीकत में बदलता है, क्योंकि भगवान भी उसमें मदद करता है। मैं आपको 2 उदाहरण देके मेरा व्याख्यान पूरा करूंगा। एक सन्यासी हुए अपने महाराष्ट्र में, परम पूजनीय स्वामी समर्थ गुरु रामदास, इनका सपना क्या था, इनका सपना था औरंगजेब का साम्राज्य दक्षिण भारत से समाप्त करना, वो सपना उन्होंने देखा, क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचार कर रहा था।
हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा था, हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था, हिंदुओं पे उसने टैक्स लगा रखा था जजिया कर, बहुत अत्याचार। समर्थ गुरु ने सपना देखा कि औरंगजेब का तो समाप्ति होना ही चाहिए शासन का। भगवान ने उसमें मदद किया और भगवान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भेज दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के 17वें साल में समर्थ गुरु का सपना पूरा कर दिया। 17 साल की उम्र में दक्षिण भारत से पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था औरंगजेब का। और औरंगजेब भागकर उत्तर में गया, फिर मर गया, और उसके बाद 1707 में तो मुगल शासन ही समाप्त हो गया पूरे देश में। तो एक सन्यासी ने सपना देखा था कि दक्षिण भारत से मुगल साम्राज्य समाप्त हो, और 1707 में पूरे भारत से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। सन्यासी का सपना ऐसा होता है। एक सन्यासी थे स्वामी रामानंद तीर्थ, उन्होंने कभी सपना देखा था कि हैदराबाद की रियासत भारत में रहेगी, क्योंकि हैदराबाद का निजाम बोलता रहता था कि मुझे तो पाकिस्तान जाना है। स्वामी रामानंद तीर्थ का कहना था कि पाकिस्तान जाना है तो निजाम जाए, रियासत तो भारत में रहेगी। भगवान ने इस सपने को पूरा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो सपना पूरा किया स्वामी रामानंद तीर्थ का। ऐसे ही परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने अब सपना देखा है कि विदेशों में जमा भारत का धन वापस लाना है, देश को समृद्धशाली बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, गरीबी बीमारी बुराइयों से मुक्त करना है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए भगवान ने आप सबको भेज दिया। मैं आप सब इसी सपने को पूरा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम और आप पुराने जन्म के कोई सहयोगी हैं। कभी हम इकट्ठे हुए थे 1857 में, तब एक सन्यासी ने हमें इकट्ठा किया, परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। तब हम भगत सिंह, माफ करना, हम तब नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, इन सब नामों में इकट्ठे हुए थे। अब फिर आए हैं जन्म लेके, आत्मा वही है हम में, शरीर बदल गया, नाम बदल गया, क्योंकि भगवान को फिर हमसे कुछ करवाना है तो हमको फिर इकट्ठा किया। और अब भी हमको इकट्ठा करने में एक सन्यासी की ही भूमिका है। 1857 में भी एक सन्यासी ने हमें इकट्ठा किया, 2010 में भी एक सन्यासी हमको इकट्ठा कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि भारत का इतिहास फिर दोहरा रहा है अपने आप को। अब बस हम इस सपने को पूरा करने में जितनी जल्दी और जितनी ताकत से लगेंगे, परिणाम उतनी जल्दी आने वाला है। हमें 4 साल में ये करना है, आपका इसमें सहयोग मिले ये हमारी अपेक्षा है। आप क्या सहयोग करें इस सपने को पूरा करने के लिए? पहला काम कि आप हमारे मेंबर बने। भारत स्वाभिमान का मेंबर बनने के लिए एक फॉर्म है, बाहर आप जाएंगे तो स्टॉल पे मिलेगा, आप ले जाइए, उसको नाम पता फोन नंबर भर के दे दीजिए। जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपसे 51 रुपए का दान चाहिए हमें। जो व्यक्ति शहर में रहते हैं उनसे हम 51 रुपए दान लेते हैं, जो गांव में रहते हैं उनसे 11 रुपए दान लेते हैं। तो आप 51 रुपए जो दान करेंगे, ऐसे 5 कोटि लोगों का दान इकट्ठा करके हमें ये लड़ाई पूरी लड़ने है। हमने ये संकल्प लिया है कि किसी करोड़पति व्यक्ति से 100-200 कोटि नहीं लेना, उससे ज्यादा अच्छा है 5 कोटि नागरिकों से 51-51 रुपए लेना, 5 कोटी शेतकरी से 11-11 रुपए लेना। हमारा काम पूरा करने का ये हमने रास्ता निकाला, क्योंकि शेतकरी का पैसा ईमानदारी का है और वो पैसा हमको ईमानदार बनाएगा। और किसी बेईमान से 100 कोटी ले लें तो हम भी बेईमान हो सकते हैं। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो धन देता है ना वो धुन बजवाता है अपनी, किसी ने 100 कोटी दिया तो उसी का गाना गाना पड़ेगा हमको, हम नहीं गाना चाहते उसका गाना। हम तो 5 कोटी शेतकरी से 11-11 रुपए इकट्ठा करेंगे, 5 कोटी भारत के नागरिकों से जो शहर में रहते हैं 51-51 इकट्ठा करेंगे, हमारा काम उतने में हो जाने वाला है। इसलिए आपसे दान भी चाहिए और आपकी मेंबरशिप भी इस काम के लिए चाहिए। जितना जल्दी आप मेंबर बने और 10 लोगों को मेंबर बनने को तैयार करें, वो 10 लोग और 10-10 को मेंबर बनने को तैयार करें, तो बहुत जल्दी 5 साल में ये काम होना है। आप सब इसमें लग जाएं, काम तो होने ही वाला है, क्योंकि काम सन्यासी ने शुरू किया है, भगवान वो करवाने ही वाला है। हम अगर लग जाएंगे तो यश हमको मिलेगा, नहीं लगेंगे तो अपयश आपको मिलेगा।
सन्यासी का तो यश भी नहीं होता, अपयश भी नहीं होता। सन्यासी की सत्ता नहीं होती, सिंहासन नहीं होता, जो होता है वो नागरिकों का होता है। तो हम सब लगेंगे तो भविष्य में हमारे जो बेटे बेटियां हैं उनको गर्व से कहेंगे कि देखो भारत स्वाभिमान में मैं भी शामिल था जब ये 300 लक्ष कोटी रुपए विदेशों से वापस आया था, गर्व से हम कहेंगे। तो आपको गर्व हो अपने आप पर, आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो, सफलता मिले इस अभियान को, ऐसी भावना के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हॉल के बाहर जाएं तो फॉर्म लेके जाएं मेंबरशिप का और एक एक फॉर्म की 10-10 फोटोकॉपी कराएं और उसको लोगों को दें ताकि वो भी इस अभियान में जुड़े। एक छोटी सी आखिरी बात कि जो कुछ मैंने आपसे कहा ये बातें आप लोगों को कहें। वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक, ये हमारा प्रिंसिपल बने। लोगों से जाएं बात करें, बात करें फिर वो दो लोगों से बात करें, ऐसे पूरे देश में ये बात फैल जाए। हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है शब्द जो होता है ना ब्रह्म होता है, शब्द में बहुत ताकत होती है, लिखा गया हो या बोला गया हो। लिखे हुए शब्दों की ताकत, बोले हुए शब्दों की ताकत किसी भी देश में क्रांति कर देती है, व्यवस्थाओं को बदल देती है। तो जो शब्द मैंने बोले ये आप दूसरों को बोले, दूसरे दूसरों को बोले। बहुत लोग ये कहते हैं कि याद नहीं रहेंगे ये सब आंकड़े आपके, तो इसके लिए मैंने एक सीडी बनाई है, आप वो सीडी बाहर ले सकते हैं। सीडी पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप एक दो सीडी लीजिए, उसकी 100 कॉपी बनाइए, 500 बनाइए, 1000 बनाइए, सबको बांट दीजिए। मैं कभी आपसे मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि ज्ञान मेरा नहीं है, ज्ञान सभी का है। ये अलग बात है कि मैंने मेहनत करके 20 साल में ये ज्ञान इकट्ठा किया, आपको मैंने 2-3 घंटे में दे दिया, अब आप किसी और को दे दें, वो किसी और को दे दे। ज्ञान की एक ही परंपरा है भारत की, बांटो और बढ़ता है, और बांटो और बढ़ता है। तो इसलिए मैं कॉपीराइट में नहीं मानता। मैं तो ये भी कहूंगा कि मेरी सीडी पर अपना फोटो लगा ले, हाँ, और कहना ये मेरी है, मैं तब भी आपसे मुकदमा नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये विचार पहुंचना चाहिए घर घर तक, गांव गांव तक, गली गली तक। तो इतनी विनम्रता के साथ आपके सामने